ग्रॉसरी से कि स्पॉटिंग द एरर है और बाकी क्वेश्चंस हैं, मतलब उसमें ऐसे होते हैं कि 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चा कर लेता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, बट 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं. सो आई वुड से कि इंग्लिश को आप रोज एटलीस्ट 1 आवर तो दें जब भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं. डोंट टेक इट कैजुअली कि हम लास्ट मंथ में इंग्लिश के प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जब भी आपको मेरिट की बात कर रहे हैं. इनिशियली व्हेन आई रोट स्टोरीज, व्हेन आई गॉट स्क्रीनड आउट, आई फेल्ट कि यार मैंने तो लिखी है और मैंने ठीक भी लिखी है तो क्या गलती होगी होगी. बट होता है कि उस हीट ऑफ द मोमेंट में यू थिंक कि आपने सब लिखा है, बट जब बाद से जाके आप खुद पूछते हैं कि यार नहीं यहाँ गलती हुई थी या मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद को एनालाइज करें, खुद की गलतियों को एनालाइज करें, उनसे भागे मत कि नहीं मैंने तो सब कुछ ठीक ही किया था. तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी. कि मेरी जो एसएसबी थी उसमें एक एसआरटी आई थी कि एक आपके मम्मा की फ्रेंड है वो आपके घर में अपने बेबी को छोड़ के गई है एंड दे हैव वेंट आउट. सो नाउ व्हाट विल यू डू? सो नाउ एक कैंडिडेट क्या सोचेगा कि ठीक है अभी वो बच्चा है हमारे पास तो हम उसको देखेंगे, उसकी केयर करेंगे एंड जब उसके मम्मा आएंगे तो हम उसको उनके साथ भेज देंगे. बट आपने उसकी केयर तो करी, वो आपने लिखा, बट कैसे करी? हाउ विल द साइकोलॉजिस्ट नो कि आपने एक्चुअली उसकी केयर करी है? एंड एसआरटी में बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं यार ये थोड़ी लिखनी है, ये तो लिखने की बात थोड़ी है, बट वो चीजें ही बताती हैं साइकोलॉजिस्ट को कि बच्चा सोच रहा है. ये नहीं है कि उसने कहीं से पढ़ा है और लिख दिया. इंटरव्यू सर जस्ट आस्क्ड मी ओके कीर्ति, सो यू हैव गॉट 2 बर्थ मार्क्स. यस सर. एंड सो मैं कहता हूं यस एंड लाइक 1 वाज अ स्क्रैच और यू कैन से स्कार. सो ही सेड हाउ डिड यू गेट दैट? So that was a question which was not expected. Like the very first question was this only about your birthmarks and all. So I would say that there will be questions which are like from, you know, bolt out of the blue. Right. But don't get panicked. What is reality? You said that. जैसे कीर्ति भी आपने कहा ना कि knowledge काफी important है. The question is being asked कि why you want to join armed forces या why you want to join army. So if you are telling that you are so much passionate, तो कुछ areas हैं जो मुझे दिमाग में आ रहे हैं. एक तो rank structure, हम सिर्फ officer cadre के याद करते हैं कि you know commissioned officer का ही एक है. पर हम JCOs और नीचे वाले ranks को हम ध्यान नहीं देते हैं. And they also try to cross check, you know, कि अगर army के अंदर captain rank है तो air force या navy में कौन सी होगा, तो वो भी awareness होना जरूरी है. उसके अलावा जितनी wars हुई हैं उनके years एंड उनकी हिस्ट्री क्या रही है, कैसे वो वॉर्स थी, मोटो क्या है, कमांड्स क्या है. एंड जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी करने जाएंगे OTA चेन्नई में, दे विल रीकन्फर्म यू वेर OTA कौन कितनी तरह की होती हैं और डिफरेंस क्या है. तो थोड़ा सा आपको हर चीज़ के बैकग्राउंड के बारे में पता भी होना चाहिए. यहाँ से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन दिखता है कि यू नो दिस पर्सन इज रियली इंक्लाइंड एंड इसका पैशन है आर्मी को ज्वाइन करना. कितना स्टाइफन मिलता है, बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं इफ आई टॉक अबाउट कितने मंथ की ट्रेनिंग है. So I think these all questions are very important and everyone who is preparing should pay attention to it. Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and I have recently got a book from Oswal Books that is regarding SSP interview, which is being written by Commander Vikas Sir, and he's being ex-senior GTO and being one of the founding member of SSP Kolkata. He has assisted so many candidates and receiving a book which is being written by him and knowing him personally gives me immense happiness. I've personally gone through the book and trust me, it holistically covers all the aspects of SSP in so much detail. Whether understanding the selection process and definitely the initial stage, how somebody can really prepare and the kind of personality which is being required. It talks about OLQs and how somebody can work upon it. And one of the important section is screening part that definitely cover OIR test, verbal and non-verbal reasoning, covering both the aspects, and definitely PP and DT. The next section talk about psychological tests that talks everything in so much detail, whether TAT, WAT, SRT and ST. Despite being GTO, the interview part is one of my favorites since it talk about defense knowledge in very much detail, covering all the tri-services, and definitely it has more interview questions. Since he's a GTO, he has beautifully covered all the 9 aspects of GTO in so much detail. So definitely those things are covered so beautifully. So I highly recommend this book. The details of this book will be there in the description box. Coming back to video, we have Kirti who is all in a rank 15 in CDS OTA entry, जहाँ पे competition इतना ज़्यादा है क्योंकि सिर्फ 16 vacancies होते हैं. So कहीं ना कहीं she has made it through. We have talked everything in so much detail, covering all the aspects, whether written, whether SSP, whether medicals, or talking about the merit in so much detail. If I talk about her journey, she has given 4 attempts
she had got back to back 3 screen outs and then she got the recommendation. And talking about her written score, she has scored 126, which is one of the amazing scores when it comes to CDS OTA entry. So without any further delay, let's get back to the video. Hi Kirti, welcome to the platform. And I don't know how lucky I am getting good stories, good candidates, and especially, you know, people who really want to inspire other through their own journey. Because her insan ki apni unique journey hai. SSP ka to wahi 5 din ka process hai, written bhi exam lagbhag hum, mujhe lagta hai ki har video mein same discussion hota hai. But har insan ka apna ek unique tarika hota hai jis pe hum discussion karte hain. Aur you never know with somebody, a candidate like you might A candidate might relate his story with you and get, you know, the key pointers. Yeah, usko lagta hai ki preparation mein kahin lack kar raha hai, wo usse kuch seekh sake. And you have come up to the platform to share your journey and to, you know, help other people. So thank you so much for joining me. I'm really glad you have, you know, taken some time for this video. So welcome to the platform. Thank you so much, ma'am, for inviting me to your channel. And yes, I'm very happy to be here with you today. And thank you so much. Kirti, agar main baat karu, you know, हम धीरे धीरे जब बात करेंगे तो हर चीज़ों पे हम बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन करेंगे. बट आई रियली वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग. एंड मैं ये क्वेश्चन हर किसी कैंडिडेट से इसलिए भी पूछती हूँ कि हाउ देयर जर्नी हैव रियली स्टार्टेड, किस तरह का बैकग्राउंड है. बिकॉज बहुत सारे मिथ रहते हैं दिमाग में कि नहीं, इस बैकग्राउंड के कैंडिडेट ही सक्सीड कर पाते हैं. स्पेशली एक दिमाग में होता है कि मिलिट्री बैकग्राउंड से हो या आर्म फोर्सेज बैकग्राउंड से हो तो एक आपको अच्छा पुश मिलता है या आप यू कैन गेट मेरिट इन. एंड जहाँ पे सिर्फ 16 ही सीट्स हैं वहाँ पे मेरिट इन होना एक अपने आप में चैलेंज है. सो आई रियली वॉन्ट टू नो योर बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड किस तरह की हॉबीज आपने परस्यू करी है, कितने टाइम्स आपने दिए हैं, तो ऑडियंस को भी एक आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा ग्लिम्स मिले कि अब तक आपका सफर कैसा रहा. Okay, ma'am. So to start with, ma'am, I basically belong to Shimla, Himachal Pradesh. And as far as my education qualifications are concerned, so I did my plus one, plus two and graduation in medical science. That is, I had the subjects of biology, physics and chemistry. So I basically belong to the medical stream. Right. And I am from a civilian background, like I don't have any links related to military background. So as you said that the people who belong to a civilian background, they feel that, okay, like if you have to join the forces, you need to have a background so that, you know, your grooming is like that, your behavior becomes like that. So that is a factor. But I think as far as this is concerned, the defense journey is concerned, be it a civilian background or a defense background, anybody can make it if you have it in you. Absolutely. That is the crux of it. Yes, ma'am. And if I talk about myself, what I have been previously, my hobbies have always been like, I have always been a person who wants to grab every opportunity which comes its way. I have been good in academics, but I always wanted to groom myself in every way, like an overall personality development. Mm-hmm. So like I have participated in sports also, and adventure sports has been my major interest area. Like whenever I got time, I used to, you know, grab that opportunity ki theek hai, mujhe kuch aise karne ka mauka mile, which is a lifetime experience. Right. And as far as the roles in college and university is concerned, I have been in leadership roles also. So right. I've tried to groom myself in an overall way so that it helps me and brings out the best of my personality. Absolutely. Like you yes. shared, these are the very major areas. You know, we need to groom our personality with time because ek college ka jo टाइम पीरियड होता है वो दैट इज द बेस्ट टाइम टू रियली फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड देर विल बी कैंडिडेट्स, देर आर एनडीए कैंडिडेट्स हु ऑल्सो वॉच दिस वीडियोज, सो मुझे लगता है कि उनके लिए काफी अच्छा एक इस तरह की डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल रहेगी. एंड स्पेशली यू नो कीर्ति, जो ये वीडियो है ये वो कैंडिडेट्स देखेंगे बिकॉज सीरियस का रिजल्ट आ चुका है, एग्जाम्स लोगों ने दे दिए, तो एक मार्क्स का कैलकुलेशन हो चुका है बच्चों के थ्रू कि यू नो किस तरह का कितना स्कोर जुड़ रहा है या कितनी कट ऑफ जाएगी. एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट, तो यहाँ पे दो तरह के कैंडिडेट्स देखने होंगे, एक तो वो जो क्लियर कर चुके होंगे तो वो SSP को लुकअप कर रहे होंगे, और सेकंड कैंडिडेट्स जो अभी रिटर्न के ऊपर कहीं ना कहीं यू नो देर इन डिलेमा की चीजें नहीं हो पाएंगी इस बार, दे हैव टू प्रिपेयर इट अगेन. सो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम पूरी वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले हैं. आई एम श्योर you know the way you describe everything, I am fond of it. So absolutely candidates will get to learn a lot from you. So especially focusing on written part, you know, jab hum kal bhi baat kar rahe the Kirti before recording this video, ki written ke andar pattern change hua hai and you have cleared it 5 times, you know, apart yes, from the whole thing pehli bar se aap ab tak clear karte aa rahe. तो रिटेन के ऊपर कहीं ना कहीं आपको वो एक एनालिसिस आ चुका है कि एग्जाम के डिमांड क्या है या एग्जाम आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है. सो कीर्ति, थोड़ा सा हम रिटेन पे बात करते हैं.
डिस्पाइट जीएस पार्ट, या अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, हाउ यू हैव रियली मैनेज्ड इट, और किस तरह से ट्रेंड एनालिसिस पे आपने कैसे एनालाइज किया और कहाँ पे फोकस ज्यादा किया है? देर आर टाइम्स की 80% जो सिलेबस है वो 20% मार्क्स देता है, एंड 20% सिलेबस 80% एक बहुत हद तक आप स्कोर कर सकते हो मेजर एरियाज पे. तो आपने पेपर को भी कैसे एनालाइज किया? ओके मैम, सो मैम अगर हम सीरियस रिटन की बात करें, आई पर्सनली हैव गिवन इट 5 टाइम्स एंड द ट्रेंड एनालिसिस व्हिच आई हैव डन बिफोर अपियरिंग फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आल्सो फॉर द कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स व्हिच आई हैव अपियर्ड, आई फेल दैट व्हेन एनी एस्पिरेंट स्टार्ट्स अ प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि एग्जाम को एनालाइज करना, एग्जाम को पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी टेंड टू स्टडी द थिंग्स विच आर ऑफ नो रेलेवेंस टू द एग्जाम और वो हमारा टाइम जो है वो कट करता है. तो इसीलिए एग्जाम के पैटर्न को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. लाइक फॉर द लास्ट फाइव अटेम्प्ट्स ऑफ सीडीएस आई हैव एनालाइज कि जो इस बार एग्जाम आया था लाइक CDS 1 2024, उसके लिए जो यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है दैट इज लाइक वेरी मच द पेपर वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, बी इट इंग्लिश और बी इट जीएस. सो आई वुड से कि ट्रेंड एनालिसिस करना जरूरी है, बट देन अगेन नॉट ओनली रिलाइंग ऑन दैट ट्रेंड, यू हैव टू ग्रास्प द नॉलेज विच यू कैन गेट फ्रॉम एनी वेयर, इट्स नॉट जस्ट टू रिलाई ऑन ट्रेंड ओनली. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंग्लिश पेपर, सो आई फील इंग्लिश इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट इन इट. व्हेन आई डिड द प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश, आई फर्स्ट यू नो गॉट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम यूपीएससी साइट एंड फ्रॉम गूगल एंड फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑन इंटरनेट. देन आई यू नो एनालाइज द पेपर कि किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. कुछ एक एरियाज ऐसे होते हैं जैसे स्पॉटिंग द एरर हो गए, प्रेपोजिशन हो गए, एंड देर इज अ सेक्शन ऑफ S1 S2 क्वेश्चन, यू हैव टू ऑर्डर दो सेंटेंसेस. सो ये कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो हर बार इंग्लिश के पेपर में आते ही हैं. सो इन सेक्शन को मास्टर करने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले लगाओ. जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रेपरेशन, उस टाइम पे जब आप उसको देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके कितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, एंड देन क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट विच आर नॉट क्लियर टू यू, ओनली देन कैन यू मैनेज टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन विच कम्स योर वे. सो उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट को, एंड विद प्रैक्टिस ओनली. लाइक वी से कि स्पॉटिंग द एरर है और बाकी क्वेश्चन हैं, मतलब उसमें ऐसे होते हैं कि 5 to 6 questions ऐसे होते हैं जो बच्चा कर लेता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, बट 3 to 4 questions ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं. सो आई वुड से कि इंग्लिश को आप रोज एटलीस्ट 1 आवर तो दें जब भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं. डोंट टेक इट कैजुअली कि हम लास्ट मंथ में इंग्लिश के प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा, बिल्कुल बिकॉज इंग्लिश इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जब भी आपको मेरिट की बात करते हैं. एंड यू हैव टू, बिकॉज अगर हम यूपीएससी की बात करें, SSB की कॉल लेटर की बात करें, क्लियरिंग द कट ऑफ इज नॉट द टारगेट, आपको कट बिल्कुल ऑफ से कम 10 to 15 marks ऊपर चाहिए सो दैट यू गेट एन एज इन मेरिट एंड अल्टीमेटली दैट इज द गोल. बिल्कुल यस मैम, सो कमिंग बैक टू द पेपर विच आई टोल्ड अबाउट इंग्लिश, सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी अपियर हुए थे एग्जाम में जैसे देख सकते होंगे स्क्रीन पे. तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो CDS 1 2024 में न्यू पैटर्न पे पूछे गए थे, लाइक मैच द फॉलोइंग एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई नए पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो दे टेंड टू गेट पैनिक, और इस पैनिक में क्या होता है कि हमारा टाइम लूज होता है पेपर में, बिकॉज एज वी नो कि इंग्लिश में हमें बहुत ज्यादा स्पीडन अप करना पड़ता है क्योंकि उसमें पैसेजेस भी होते हैं, उनको रीड करने की कैपेसिटी, बहुत सारी चीजें होती है. तो उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड से कुछ अलग आया है सो डोंट गेट पैनिक, बिकॉज वो सभी के लिए आया है. एंड ऐसे क्वेश्चंस में जनरली ऐसा होता है कि आप 2 options जो हैं आपको लगता है कि ये तो सही है, बट 2 options में यू हैव वेरी मच कंफ्यूजन. सो उन ऑप्शंस में यू हैव टू टेक रिस्क, लाइक टेकिंग रिस्क इन क्वेश्चंस स्पेशली इन इंग्लिश पेपर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट दैट रिस्क हैज टू बी अ कैलकुलेटेड रिस्क, इट्स नॉट लाइक आप रैंडम गेस कर दो. ठीक है, सो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड एज फार एज जनरल नॉलेज पेपर इज कंसर्न, लाइक विद द ट्रेंड विच यूपीएससी हैज फॉलोड, वी ऑल नो कि हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बी इट साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी,
करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिफेंस, विच इज अ मस्ट मस्ट. ओके, राइट तो आई थिंक कि जब भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी सीडीएस के जनरल नॉलेज पेपर के लिए, तो हर एक सेक्शन को डेली टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. अगर ऐसा है कि लाइक अगर हम ये बोल सकते हैं कि जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर सकते, एंड दैट इज वेरी अ ड्रॉबैक अगर आप 120 कर रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है. सो यू हैव टू सी कि आपके कौन से सेक्शन स्ट्रांग है. इफ यू आर गुड इन साइंस, इफ यू आर गुड इन ज्योग्राफी, देन फोकस मोर ऑन दैट, सो दैट आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें. अगर आप एक आधा सेक्शन छोड़ भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया जो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, इट इट डजेंट मेक मच सेंस, बट मतलब इतना मैटर नहीं करता, बट देन आपके अदर सेक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए. तो उस चीज के लिए आप बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो पढ़ाते हैं, जैसे सीरियस जर्नी हो गई, इनसाइट एसेस भी होगी, उनकी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन होती है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, देट आर ऑफ ग्रेट हेल्प. बट आई विल अगेन मेंशन दैट डोंट रिलाई ऑन यूट्यूब, डोंट रिलाई ऑन दैट ओनली, यू हैव टू सी अदर रिसोर्सेज ऑल्सो. जस्ट बिल्कुल फॉलो टू टू थ्री रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक कि ओके अब मेरा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है, देन आई विल मूव ऑन टू अनदर सेक्शन. एंड यस मैम, आफ्टर ऑल दिस आई वुड से कि रिविजन एंड प्रैक्टिस इज मस्ट. अगर आप रिविजन और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपने अगर एक बार पढ़ लिया है तो दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज रिविजन ही आपका पेपर क्लियर करवाएगा. राइट तो वो चीज करना बहुत जरूरी होता है. एंड जस्ट वन मोर पॉइंट कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, डोंट थिंक कि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ डिफेंस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, बिकॉज अगर आप और एग्जाम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, वो आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. तो आप उनके क्वेश्चंस भी लगाएं, बट पहले डिफेंस एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको लगाएं, तो आपकी एक ओवरऑल तैयारी हो जाती है. लगभग चीजें आपने जो बात कही कीर्ति वो बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो डिफेंस वाले सीडीएस काम करना शुरू कर देते, बट और भी सिमिलर अलाइनमेंट पे और भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो मुझे लगता है कि काफी हेल्प करते हैं. एंड आजकल तो सीडीएस इतना पैटर्न चेंज करा, जैसे आपने जो मुझे क्वेश्चन शेयर करे दे आर ऑफ वेरी मच डिफरेंस, वो उनके प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आ रहे, तो इंसान एक टाइम पे तो वो पैनिकनेस वाली चीज आ ही जाती है कि इसको हम करेंगे कैसे. बट रेस्ट एज यू हैव मेंशनड ऑल द पॉइंट्स, आई थिंक दीज आर वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स. लेट्स मूव टू द एसएसबी पार्ट, बिकॉज अभी एस एस बी अपने आप में एक हर्डल फील होता है, क्योंकि हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, इट्स अल्टीमेटली अ पर्सनैलिटी टेस्ट, बट इनिशियली वेन यू वेंट टू एस एस बी मेरे को एक वो माइंड सेट वाली चीज़ काफ़ी इंटरेस्ट आया उस चीज़ में, मैं उसी बारे में ज़्यादा बात करना चाहूंगी. यू नो इनिशियली जब आप एस एस बी गए तो हालांकि जो स्क्रीनिंग पार्ट है बहुत वीक प्रोसेस है, यू दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड यू डोंट नो मे बी बिकॉज ऑफ वट रीजन यू माइट गेट स्क्रीन आउट, बट एक ह्यूज चंक गेट स्क्रीन आउट दैट इज समथिंग विच इज फेस्ड बाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स. सो इफ समबडी इज गोइंग फॉर स्क्रीनिंग वॉट इज योर टिप, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप फोर्थ अटेम्प में गए नॉट ओनली यू गॉट स्क्रीन इन बट यू गॉट मेरिट इन ऑल्सो, तो आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज किया है, तो कैन वी टॉक अबाउट द थिंग्स हाउ यू रियली हैव फोकस्ड ऑन स्क्रीनिंग पार्ट. यस मैम, सो एज यू सेड दैट आई अपियर्ड फॉर स्क्रीनिंग 3 times बिफोर आई गॉट रिकमेंडेड. सो फॉर द इनिशियल अटेम्प्ट व्हेन आई वेंट फॉर एसएसबी, आई फेल्ट लाइक कि ओके ये एक टेस्ट है, लाइक इट्स रिटन है वैसे ही ये एक टेस्ट है, सो आई हैव टू डू व्हाट द टेस्ट इज आस्किंग मी. लाइक अगर ओआईआर है तो आई हैव टू जस्ट अटेम्प्ट इट, अगर कोई पिक्चर है आई जस्ट हैव टू राइट अ स्टोरी. बट आई थिंक एसएसबी इज नॉट लिमिटेड टू दैट डोमेन, इट इज फोकसिंग ऑन एवरीथिंग, ऑन एवरी थिंग, लाइक योर मेंटेलिटी, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, द वर्ड विच ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स हैव हर्ड, द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एंड आई थिंक दैट इज द की, दैट इज एक्चुअली द की टू क्लियर SSB, एंड नॉट जस्ट इंटायर SSB, बट हर एक टेस्ट में आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इफ आई टॉक अबाउट द स्क्रीनिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व OIR, PPDT एंड द ग्रुप डिस्कशन पार्ट, तो अगर मैं OIR की बात करूं, तो हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि OIR में बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, एंड एवरीवन कैन अटेम्प्ट इट, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू कैन डू इट.
बिकॉज वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है एंड दे डोंट इवन गिव यू अ वॉच टू सी कि अच्छा कितना टाइम हो रहा है. सो इट्स जस्ट इन योर माइंड कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. और वहां आप किस तरह से OIR अटेम्प्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा आपने घर पे कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी है. सो जब भी बच्चा स्क्रीनिंग के लिए जाता है आई थिंक कि OIR को आप हर दिन कम से कम एक या दो सेट जरूर लगाएं. उससे ये होगा कि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, क्वेश्चंस ऐसे करने हैं. यू वोंट गेट पैनिक देयर. एंड वी आल्सो फेस कि हमें क्वेश्चंस जो है कई बार सिमिलर मिल जाते हैं जो हमने पहले अटेम्प्ट किए होते हैं. एंड OIR इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ SSB. सो अगर वो अच्छा जाएगा तो वो हमारे को बहुत ज्यादा मॉरल बूस्ट देता है. सो आई बिल्कुल थिंक OIR एवरीवन शुड प्रैक्टिस डेली. एंड एज फार एज PPDT इज कंसर्न्ड तो मैम ऐसा होता है कि जैसे हमने पिक्चर लिखी एवरी वन कैन राइट अ स्टोरी, है ना, पिक्चर देख के एवरी वन कैन राइट अ स्टोरी. बट इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस बिकॉज दैट एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इनिशियली व्हेन आई रोट स्टोरीज व्हेन आई गॉट स्क्रीन आउट आई फेल्ट कि यार मैंने तो लिखी है और मैंने ठीक भी लिखी है तो क्या गलती होगी होगी. बट होता है कि उस हीट ऑफ द मोमेंट में यू थिंक कि आपने सब लिखा है बट जब बाद से जाके आप खुद सोचते हैं कि यार नहीं यहाँ गलती हुई थी या मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद को एनालाइज करें, खुद की गलतियों को एनालाइज करें, उनसे भागे मत कि नहीं मैंने तो सब कुछ ठीक ही किया था. तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी. और अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलो लाइक PPDT की फर्स्ट टेस्ट लाइक पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होती है हमारी. 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर आ रही है एंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन दैट. सो बच्चे क्या करते हैं पिक्चर देखते हैं एंड दे गेट 30 सेकेंड्स एंड दे जस्ट स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी. दे डोंट एक्चुअली ऑब्जर्व इट फॉर 30 सेकेंड्स विच आर गिवन. लाइक SSB इज गिविंग यू 30 सेकेंड्स दैट हैव अ मीनिंग. सो उसको आप क्लियरली ऑब्जर्व करें. आपको कैरेक्टर्स ऐसे ही दिख जाते हैं जब भी पिक्चर आती है. बट द यू नो द हाईलाइट ऑफ द स्टोरी इज द बैकग्राउंड नॉट द कैरेक्टर. जस्ट ऑब्जर्व द बैकग्राउंड. यस मैम दैट इज अ वेरी मेजर मिस्टेक विच कैंडिडेट मेक विच आई हैव ऑल्सो मेड इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट. एंड ग्रेजुअली विथ प्रैक्टिस आई रियलाइज कि बैकग्राउंड से ही आपकी स्टोरी का बेस लाइन आती है. सो ऑब्जर्व द बैकग्राउंड, ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स. वेन यू आर डिसाइडिंग द एज ऑफ द कैरेक्टर्स गिव इट अ सेकेंड थॉट कि अगर मुझे लग रहा है कि ये 30 ईयर्स का है तो क्या एक्चुअली है. बिकॉज 30 सेकेंड्स आर इनफ टू डिसाइड दिस. क्योंकि अगर आपको ये दो चीजें आपके कंट्रोल में है कि हाँ ये पक्का है बैकग्राउंड, ये पक्का है एज, तो आप बहुत अच्छी स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डोंट थिंक ऑफ द स्टोरी वाइल यू आर ऑब्जर्विंग द पिक्चर. जस्ट ऑब्जर्व इट. जब भी वो 30 सेकेंड्स ऑफ होते हैं देन स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी. एंड बच्चे क्या कहते हैं नॉर्मली कि एक्शन लिख देते हैं लाइक वी हैव टू राइट एन एक्शन आफ्टर फिलिंग द परसेप्शन बॉक्स एंड देन वी राइट द स्टोरी. मैंने क्या किया था कि आई डोंट राइट द एक्शन इन द स्टार्टिंग. आई राइट द स्टोरी फर्स्ट बिकॉज आई थिंक व्हेन यू राइट द एक्शन योर स्टोरी गेट्स लिमिटेड टू दैट. बट वाइल राइटिंग द स्टोरी यू कैन गेट अ वेरी गुड पॉइंट विच एक्चुअली डोंट अलाइन विद द एक्शन. सो फॉर राइट द एक्शन आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर स्टोरी. सो दैट विल गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑफ योर स्टोरी लाइक वट आई डिड आई इन वुड माई जस्ट इंटरप्ट यू इन अ मिडल बिकॉज दैट वाज समथिंग आई थिंक मैंने भी मेरे SSB के टाइम पे नहीं किया और मैंने किसी को बोलते भी नहीं सुना. बट रिसेंटली आई डिड अ वीडियो विद अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही सेड कि जो आपका एक्शन है वो काफी कुछ डिस्क्राइब करता है आपकी पूरी स्टोरी के बारे में. वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आई मीन दैट इज वन ऑफ द मेजर की पॉइंट्स यू हैव मेंशन. कीर्ति आई रियली वॉन्ट कि कुछ भी आप आगे डिस्कस करें उनको बहुत डिस्क्रिप्टिव रखें बिकॉज दीज आर वेरी माइन्यूट डिटेल्स एंड दिस डिस्कशन इज नॉट टू यू नो कि किस तरह क्या लिखना है पर कैसे लिखना है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो जिस तरह से आप बता रहे हैं आई एम रियली लाइकिंग इट. प्लीज 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 कंटिन्यू. थैंक यू मैम. सो एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द राइटिंग ऑफ द स्टोरी. सो नाउ वेन यू हैव ऑब्जर्व द पिक्चर, यू हैव ऑब्जर्व द बैकग्राउंड, द कैरेक्टर, देयर एज, एंड देन यू नो कि ओके मेरे को इस लाइन पे अपनी स्टोरी लिखनी है. सो राइट द स्टोरी इन अ वे कि आपके पिक्चर में कम से कम 5 to 6 एक्शंस होने ही चाहिए. अगर ज्यादा है सो इट गिव्स एन एज. बट डोंट मतलब लाइक एक्शंस लिखने के चक्कर में आप ऐसे मत करें कि आप स्टोरी को कंप्लीट ना कर पाए. बिकॉज कंप्लीटिंग द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट गिव्स अ मैसेज टू द साइकोलॉजिस्ट कि बच्चा जो है वो ऑर्गेनाइज है. बिकॉज एट द एंड यू हैव टू कंप्लीट द टास्क विच इज एट योर डिस्पोजल. ओके सो यू हैव टू मतलब यू हैव टू मैनेज टाइम इन अ वे कि आपके पास लास्ट में 30 सेकेंड रहे कि आप उसको एक अच्छी एंडिंग दे सके. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड राइटिंग द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट बट देन ऑल्सो
एक्सप्रेसिंग इट इन अ वे कि आपके कैरेक्टर के इमोशंस भी बाहर आए, कि वाइल डूइंग ऑल दैट स्टफ जो भी पिक्चर में आपको लग रहा है एक्शन के हिसाब से, कि उसके इमोशंस क्या है उसमें, उसके इमोशंस, साथ वालों के इमोशंस, बिकॉज उससे साइकोलॉजिस्ट को ये फीलिंग आएगी कि बच्चे ने मेड अप स्टोरी नहीं बनाई है, ही इज एक्चुअली लिविंग द पिक्चर एंड देन राइटिंग इट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर एंजॉइंग दैट प्रोसेस एंड दैट इज ऑल SSV वॉन्ट्स, कि आप मोमेंट में जी रहे हो, आप कोई लिखी लिखाई स्टोरी आके नहीं लिख रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं अपनी पिक्चर की बात करूं, अगर मुझे SSB में जो PBDT में पिक्चर आई थी, तो देर वॉज अ पिक्चर जिसमें दो लोग दिखे थे, एक हाँ मिडल एज मैन था और एक थोड़ा ओल्ड एज मैन था, एंड पीछे बैकग्राउंड में लाइक पहाड़ टाइप दिख रहे थे, देवर माउंटेन्स एंड ट्रीज ऑन. सो आई मेड अ स्टोरी की एक लाइक 40 to 50 years का मैन है, एंड ही वॉन्ट्स कि उसके फादर की एक बहुत पुरानी इच्छा है कि वो अपने ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स से मिले, बट नाउ वो अदर सिटी में मूव कर गए हैं, सो ही इज नॉट एबल टू मीट देम. सो आई रिवॉल्व माई स्टोरी अराउंड कि हाउ ही वॉज कंपैशनेट टुवर्ड्स हिज फादर, कि उसकी विश का ध्यान रखा, एंड हाउ ही टुक हिज फादर टू मीट हिज फ्रेंड्स इन अनदर सिटी, हाउ ही मैनेज ऑल द थिंग, हाउ ही टुक इन टू कंसिडरेशन द वेदर देयर एंड देन डिड द पैकिंग सो दैट उनके फादर को कोई दिक्कत ना आए. सो इन दैट वे यू हैव टू प्रोजेक्ट कि आपको सब चीजों का ध्यान है. हाँ इट्स नॉट जस्ट गए घूमने और आ गए, इट्स हाँ जस्ट दैट कि आप सब चीजों का ध्यान रख रहे हो. तो जब भी आप कोई स्टोरी फॉर्म करते हो, इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि उसके इमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एंडिंग किस तरह से करनी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्टार्ट भी आप ज्यादा मत करें, जस्ट राइट वन एंड वन एंड अ हाफ लाइन अबाउट द बैकग्राउंड एंड देन मूव ऑन टू द एक्शन ऑफ द स्टोरी. दैट ओके विल गिव यू अ वेरी गुड वे ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योर पिक्चर. यस मैम. एंड इफ आई मूव फर्दर टूवर्ड्स द नरेशन पार्ट नाउ, लाइक यू हैव डन विद राइटिंग योर पिक्चर, नाउ दे गिव यू टाइम कि ओके आपको फिर वो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लाइक 5 to 10, नो नॉट 5 to 10 बट 10 to 15 ग्रुप्स में, 15 मेंबर्स के ग्रुप में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल एंड दे गिव यू टाइम. उस टाइम पे आप इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू योर यू नो फ्रेंड्स, जस्ट यू नो रिकॉल योर स्टोरी व्हाट यू हैव रिटन, सो दैट यू आर वेरी फ्लुएंट विद इट व्हेन योर नरेशन पार्ट कम्स. तो आप उसको याद करते रहें कि आपने क्या लिखा था, कैसे लिखा था, उसको नरेट करते रहें बार 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 बार. अगर आप उसको 4-5 बारी भी नरेट कर देते हैं कितने कैरेक्टर्स थे, कितनी एज थी, तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि जब भी आपका नरेशन पार्ट आता है तो साइकोलॉजिस्ट को पता है कि हाँ इसको पता है इसने क्या लिखा है, एंड ही इज स्पीकिंग दैट स्टफ वेरी कॉन्फिडेंटली. सो जस्ट Absolutely. प्रैक्टिस नरेशन एट होम. लाइक बच्चे क्या करते हैं कि पिक्चर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, लाइक नरेशन वहां कर लेंगे, बट आई थिंक इट शुड नॉट बी लाइक दैट. नरेशन आप जरूर करें, किसी के सामने करें नहीं तो खुद बैठ के करें, सो इट विल गिव यू वेरी गुड हेल्प. एंड Absolutely. जब मैम हमारी नरेशन की बारी आती है, तो इट इज जस्ट अ चांस फैक्टर कि आप ग्रुप में फर्स्ट नरेट करेंगे, बीच में होंगे या एंड में होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट वाइल प्रैक्टिसिंग एट होम कि मैं फर्स्ट पे होंगे कि मैं लास्ट पे होंगे. इट इज ऑफ नो यूज. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, एंड उससे नहीं मैटर करता कि आप कहाँ पे नरेशन करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रुप के बीच में बैठे हैं, तो पीपल डू कि जब भी फर्स्ट बच्चा नरेट करना शुरू करता है, तो दे आर नॉट लिसनिंग टू देम, दे आर जस्ट रिकॉलिंग द स्टोरी कि मैंने ये लिखा था, मैंने ये लिखा था, मैंने ये लिखा था, एंड दे आर नॉट लिसनिंग कि बाकी क्या बोल रहे हैं. सो यू हैव टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि नरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट नरेशन, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन भी होना है, तो आपको उसमें भी इक्वली बेटर परफॉर्म, इक्वली परफॉर्म करना है जैसे कि आपने बाकी टेस्ट में किया है. क्योंकि ये मिथ होता है, मैंने बहुतों से सुना था अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे भी, कि ग्रुप डिस्कशन नहीं मैटर करता, अगर आपका नरेशन बहुत अच्छा है तो ग्रुप डिस्कशन नहीं मैटर करता, बट आई थिंक SSV में कोई भी टेस्ट हो, इट होल्ड इक्वल इम्पोर्टेंस. किसी भी टेस्ट को अंडर एस्टिमेट करना ये हमारी गलती होती है. सो इसीलिए आप उस टाइम पे उस चीज का भी ध्यान रखें कि आपको उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी करनी है, क्योंकि जैसे आप सुनेंगे, सो व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग, सो यू यू शुड हैव दैट पॉइंट कि मैक्सिमम बच्चों का जो थीम थी स्टोरी की वो क्या थी, ओनली देन कैन यू स्टार्ट विद इट, बिकॉज वहां पे साइकोलॉजिस्ट ये नहीं देख रहा कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं,
जब ग्रुप डिस्कशन आती है, देयर ही इज सेइंग वॉचिंग कि आप ग्रुप में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप ग्रुप को बांध के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, कि इस साइड वाले कुछ और बोल रहे हैं, इस साइड वाले कुछ और बोल रहे हैं, एंड यू आर एडिंग टू दैट डिस्कशन विच इज ऑफ नो यूज. सो आई थिंक जब भी आप ग्रुप डिस्कशन और नरेशन कर रहे हैं, बस लिसन टू एवरीबडी स्टोरी एंड देन फॉर्म एन ओपिनियन कि कौन सा थीम जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हुआ है. मोस्टली वो आप ही का होता है, आपने भी उसी के अराउंड स्टोरी बनाई होती है. पर अगर वो नहीं है सो ट्राई कि आपकी थीम एक्सेप्ट हो ग्रुप में, पुट सम वैलिड पॉइंट, ट्राई वंस ट्राई ट्वाइस. बट अगर वो थीम नहीं एक्सेप्ट हो रही है जस्ट डोंट स्टिक टू इट, गो विद द ग्रुप. जो थीम मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं जस्ट गो विद इट, इट विल गिव एन एक्सप्रेशन कि बच्चा जो है वो अडेप्टेबल है, ही इज नॉट जस्ट कि मेरी ही सुनो मेरी ही सुनो इन दैट वे. एंड आई वुड ऑल्सो से जब भी ग्रुप डिस्कशन शुरू होती है ट्राई टू लीड द ग्रुप इन अ वे कि आप कुछ बोलो एंड देन जैसे कि आप बोलते हैं कि ओके फ्रेंड्स नाउ लेट अस डिस्कस द एज ऑफ द मेम ऑफ द पीपल हु आर प्रेजेंट इन द ग्रुप. नाउ यू हैव सेड इट, नाउ यू डोंट नीड टू से कि मुझे इसकी एज क्या लगी, लेट द अदर मेंबर्स डिस्कस. देन दे हैव स्टॉप्ड डिस्कसिंग अबाउट इट, लाइक यू फील कि ओके 15 to 30 seconds हो गए, इन्होंने एज के बारे में बहुत डिस्कस कर लिया है. देन यू से कि ओके लाइक मोस्ट ऑफ अस हैव परसीव्ड द एज ऑफ द कैरेक्टर अराउंड 30 years, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्शन एंड नाउ देन द अदर पीपल विल स्टार्ट डिस्कसिंग द एक्शन, यू डोंट माय हैव टू इंटरप्ट देम. गॉड, द सो वे यू हैव ओके द गिफ्ट, द वे यू हैव रियली एनालाइज द होल प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग इज समथिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे. बिकॉज जब 3 स्क्रीन आउट्स आपके हुए हैं तो आपने उसको बहुत बारीकी से चीजों को समझा है. पीपल जनरली ऑफन से यू नो द वे यू हैव मेंशन ओ आर पे ध्यान ही देना चाहिए, नरेशन इज इंपॉर्टेंट, स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, प्री कंसीव्ड आइडियाज नहीं होने चाहिए. ये कुछ कुछ टर्म्स हमेशा फ्लोट करती हैं कैंडिडेट्स के अमंग, बट आपने जिस तरह से सब चीज़ों को बराबर इंपॉर्टेंस दिया और उनके भी की लाइनर्स को हाईलाइट किया है, तो मुझे वो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लग रही है कि किस तरह से आपने पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया है. एंड एज यू हैव मेंशनड यू नो जीडी, हाउ जीडी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड हाउ एंड वन मोर थिंग आई वुड जस्ट ऐड, यू नो बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन जीडी. बिकॉज वेन यू आर सिटिंग इन अ वे, योर बॉडी इज टू मच इंक्लाइंड और यू नो टू मच रिलैक्स्ड, तो वो आपका इंक्लिनेशन दिखाता है कि आप जीडी में कितना इंक्लाइंड हैं. बिकॉज अगर काफी कैंडिडेट्स मैंने देखा बहुत अग्रेसिव होके दे जस्ट स्टैंड अप एंड ट्राई टू लीड द ग्रुप एंड आई डोंट नो व्हाट थिंग दे आर ट्राइंग टू यू नो डू, बट दैट कम्स इन अ वेरी नेगेटिव वे. यू शुड बी काम, कंपोज, स्ट्रेट पोस्चर विथ हैंड्स प्रॉपरली अलाइंड. एंड जिस तरह से फीमेल कैंडिडेट्स बैठते हैं यू नो योर लेग शुड बी क्लोजली इंक्लाइंड एंड हाथ अच्छे से रखे होने चाहिए. एंड द वे यू आर एक्सप्रेसिंग, हाथों के जेस्टर्स ज्यादा ना हो, तो हर एक छोटी छोटी चीज जिस तरह से पूरे प्रोसेस में हेल्प करती है. और वही चीज रीजन है मेरे ख्याल से तभी 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स आते हैं और वही 30-32 के आसपास बच्चे स्क्रीनिंग हो पाते हैं. एनी फर्दर थिंग कीर्ति यू वॉन्ट टू एड टू द जीडी पार्ट? मैम, एज फार एज जी डी इज कंसर्न, द पॉइंट्स यू मेंशन आर ऑफ ग्रेट हेल्प, बिकॉज अगर आप एक्सप्रेस ठीक से कर पाते हैं दैट ओनली विल एड द वैल्यू टू योर ग्रुप डिस्कशन व्हेन आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है. सो आप दोनों को इक्वली मैनेज करके चलें एंड जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द ग्रुप. बिकॉज इन ओ आई आर एंड इन राइटिंग द स्टोरी इन नरेटिंग इट्स अबाउट योर परफॉर्मेंस, बट वेन यू आर डूइंग ग्रुप डिस्कशन ट्राई टू बी अ ग्रुप मेंबर, ट्राई टू मेक योर ग्रुप द बेस्ट ग्रुप इन डिस्कशन अमंग ऑल द कैंडिडेट्स. सो इट विल गिव एन आइडिया टू द साइकोलॉजिस्ट कि येस ये बच्चा जो है वो अकेले भी बेस्ट परफॉर्म कर सकता है और ग्रुप में भी बेस्ट परफॉर्म कर सकता है. एंड डोंट पैनिक, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. एब्सोल्युटली. व्हाट अबाउट साइक टेस्ट? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है जब हम डिस्कशन भी कर रहे थे ना कीर्ति, कि जो आपका साइक है मुझे वन ऑफ द हाईलाइटिंग एरियाज लगता है जो मुझे बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहिए. बिकॉज द वे यू ऑब्जर्व अ पिक्चर, द वे यू राइट इट एंड द वे यू एनालाइज इट, कि जैसे आपने कहा एंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है. पीपीडीटी का जो एनालिसिस है टीएटी और आर ऑन अ वेरी सिमिलर पैरामीटर, बट फिर भी टीएटी के हम प्रस्पेक्टिव में कुछ एक आधे पिक्चर्स का डिस्कशन करते हैं कि हाउ यू हैव रियली एनालाइज टीएटी. ओके मैम, सो एज वी नो जब हम स्क्रीनिंग पार्ट हमारा खत्म हो जाता है तो अगले दिन हमारे साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी टेस्ट होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 टेस्ट, लाइक वी हैव थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एंड देन वी हैव वैट, एसआरटी एंड देन एसडी. सो फर्स्ट इज टैट, जिसमें आपको वही पैटर्न होता है, आपको 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाती है एंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी. द डिफरेंस इज यू डोंट हैव टू राइट द एक्शन, यू डोंट हैव टू फिल द परसेप्शन बॉक्स, यू जस्ट हैव टू राइट द स्टोरी बैक टू बैक 12 स्टोरीज एंड इन 4 मिनट्स. तो कहीं ना कहीं बच्चे जब इसकी तैयारी करते हैं तो दे थिंक कि यार ये तो बहुत है, हाउ विल वी कंप्लीट द स्टोरीज. बट आई थिंक जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे डोंट थिंक अबाउट कि
12 स्टोरीज हैं हमें कंप्लीट करनी है, तो जैसे जैसे पिक्चर आएगी यू विल गेट एन आइडिया और आप लिखते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे वहां पे, उस चीज की आप टेंशन ना लें। एंड जब आप घर पे प्रैक्टिस करें टैट की, डोंट प्रैक्टिस की मैंने एक पिक्चर कर ली, पिक्चर ही तो आती हैं, प्रैक्टिस 12 स्टोरीज बैक टू बैक, एटलीस्ट दिन में एक स्टोरी, मतलब एक जो सेट है टैट का वो आप जरूर लगाएं, क्योंकि वो उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे पैनिक में वैसे ही आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट नाउ कि पिक्चर को कैसे परसीव करना है, एज आई मेंशनड कि बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो व्हेन अ पिक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑब्जर्व द बैकग्राउंड, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर एज स्पेसिफिकली, एंड देन डिसाइड कि अच्छा इस पे मैं क्या क्या स्टोरी बना सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई भी स्टोरी बनाते हैं, इट इज अ मेजर की पॉइंट कि उस बंदे का प्रोफेशन क्या है, जो भी आप वहां देख रहे हैं, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ दैट ऑफ योर मेन कैरेक्टर। सो आई वुड से कि अगर तो कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन हाइलाइटेड है, सपोज किसी के गले में स्टेथोस्कोप है, कहीं पे प्लस का साइन बना है, विच डिपिक्ट्स अ हॉस्पिटल, विच डिपिक्ट्स अ डॉक्टर, देन यू फॉर्म अ स्टोरी अराउंड इट। बट अगर किसी पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन का साइन है, किसी डॉक्टर का साइन है, किसी इंजीनियर का साइन है, या किसी कोई पर्टिकुलरली फार्मर दिखाया जा रहा है, सो डोंट एसोसिएट दैट कैरेक्टर विद अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, बिकॉज अगर साइकोलॉजिस्ट चाहेगा कि आप उसके अराउंड स्टोरी बनाओ, ही विल गिव यू अ हिंट इन द पिक्चर कि वो कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करता है। सो मेक इट इन अ वे कि आपकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आउटर वर्ल्ड इतनी ना दिखे, ट्राई टू रिलेट इट टू योर सेल्फ, ट्राई टू रिलेट इट टू योर PIQ, दैट इज द मेजर थिंग। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट योर PIQ, इफ यू आर रिलेटिंग ऑल योर टेस्ट टू योर PIQ, इट विल गिव एन इम्प्रेशन टू द साइकोलॉजिस्ट कि इट इज नॉट मेड अप, यू हैव एनालाइज योर सेल्फ एंड यू आर मेकिंग द स्टोरीज विच रिवॉल्व अराउंड योर लाइफ, सो ट्राई टू डू दैट। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोफेशन विच आई से, एंड देन वेन यू स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी, जस्ट मेक इट वेरी क्रिस्प अबाउट द बैकग्राउंड कि डोंट राइट दैट ही वॉज दिस, एंड डोंट राइट एडजेक्टिव देयर कि ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज दिस, यू हैव टू यू नो डिपिक्ट इट वाया द एक्शन, यू डोंट हैव टू राइट इट ही वॉज हार्ड वर्किंग, आप उसका एक्शन बताओ उसने क्या किया, उन्हें पता चल जाएगा कि ही वॉज हार्ड वर्किंग। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड योर लाइन इन डूइंग दैट, बिकॉज स्पेस भी लिमिटेड होता है, सो फोकस मोर ऑन एक्शन कि आप उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और कम से कम 5 to 6 एक्शन एज आई सेड कि वो तो होने ही चाहिए। एंड ट्राई टू फ्रेम इट इन अ वे कि जो आप जब आप एंडिंग करते हैं, जस्ट डोंट बी सक्सेस ओरिएंटेड कि वो जीत गया। जैसे कि अगर मैं कोई पिक्चर डिस्कस करूं मैम, तो सपोज देर इज अ बॉय हु इज सिटिंग एंड हु इज लुकिंग इन टू हिज लैपटॉप, ओके, तो मेनी कैंडिडेट विल मेक अ स्टोरी अराउंड कि वो कुछ प्रेजेंटेशन बना रहा है या फिर वो ऑफिस की मीटिंग के लिए कुछ कर रहा है, एंड दैट इज वेल टू गो। सो सपोज आई मेक अ थिंग कि उनके स्कूल में या उनके कॉलेज में एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, और वो एक ई पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, सो ही इज फ्रेमिंग अ पोस्टर अराउंड दैट, ठीक है, उसने बना लिया, फिर उसने उसके लिए क्या क्या रिसर्च करी, कोई भी टॉपिक है तो उसने क्या क्या रिसर्च करी, कहाँ कहाँ से उसका मटेरियल कलेक्ट किया, सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू किया या फिर पर्सनली जाके उसने वो चीजें करी, कहीं से कलेक्ट करी इंफॉर्मेशन, दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल। फिर उसने अपनी फैमिली वालों से भी डिस्कस किया, बिकॉज जस्ट कंफाइनिंग टू यू एंड योर सेल्फ इज नॉट वॉट SSB वॉन्ट्स, सो ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग इन दैट, एंड देन आफ्टर दैट जब भी उसका हो गया, उसके सबमिट हो गया उसका पोस्टर, तो जैसे बच्चे लिखते हैं कि ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, आई वुड से राइट इट इन 1 or 2 पिक्चर्स, बट जो मैं पर्सनली करती थी, आई यूज टू राइट कि ही वॉज अ वन ऑफ द टॉपर्स, ही वॉज अमंग वन ऑफ द टॉपर्स, नॉट जस्ट ही वॉज द टॉपर, अदर्स भी थे, यू हैव टू कंसिडर अदर्स ऑल्सो बिकॉज क्लास में और भी बच्चे हैं, तो यू नो यू हैव टू बी इन दैट वे। एंड उसके बाद वो जीत गया, एंड बच्चे क्या करते हैं उसको वहां खत्म कर देते हैं, एंड ही वॉन, बट आई थिंक ट्राई टू गिव एन एंडिंग सो दैट साइकोलॉजिस्ट को ऐसा लगे कि बच्चा जल्दी में नहीं है,
ट्राई टू एंड इट इन अ नाइस वे कि जो उसने किया, जैसे उसका पोस्टर है वो सिलेक्ट हुआ कि वो नोटिस बोर्ड पे लगे सो दैट बाकी स्कूल भी उसे देखे, उसका प्रिंट आउट निकाला गया और जो उसके जूनियर्स थे वो भी उससे मोटिवेट हुए कि अपार्ट फ्रॉम आवर स्टडीज वी शुड गेट इन्वॉल्व इन टू अदर को करिकुलर एक्टिविटीज. सो इस तरह से कि वो कैसे एक अच्छा मैसेज दे रहा है अपने सराउंडिंग में. तो इस तरह से आप थोड़ी कोशिश करें कि जब भी आप स्टोरी लिखें तो उसको अच्छी एंडिंग दें. ठीक है, माय गॉड, ये जो अपने जो यस मैम. आई एम जस्ट थिंकिंग इन दैट वे, बिकॉज एंडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. द वे यू हैव स्टार्टेड द स्टोरी, उस टाइम पे तो हम बहुत सारी चीज़ों को चीज़ें लिख देते हैं, बट हम उसके चक्कर में एंडिंग पे ध्यान देते ही नहीं है. एंड मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ नोटिस करी कीर्ति कि यहाँ पर रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, किसी को कीर्ति चक्र, किसी को परमवीर चक्र, नोबल प्राइज तो बड़ा प्रोमिनेंट है, या पोजिशन हम दे देते हैं कि फर्स्ट क्लास क्लास में फर्स्ट पोजिशन है, या ही गॉट दिस मेडल. सो आई हैव सीन दिस थिंग, बट द वे यू हैव एंडेड अप, कैन वी डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल इफ पॉसिबल? अगर इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको और लगता है कि जिससे एक बेटर और क्लैरिटी आई, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है स्टोरीज राइटिंग के लिए? ओके मैम. तो इफ आई टॉक अबाउट अनदर पिक्चर, लाइक ये बहुत ही कॉमन पिक्चर है कि हमें दिखती है कि एक कोई कैंडिडेट है वो भाग रहा है, इज लाइक रनिंग, है ना, वो वाली पिक्चर होगी. सो बच्चे एक तो ये गलती करते हैं दैट दे मेक अ स्टोरी कि वो एक डिफेंस एस्पिरेंट है एंड ही इज यू नो डेली वो भाग रहा है एंड देयर जस्ट रिवॉल्विंग द स्टोरीज अराउंड देयर लाइफ, अराउंड ओनली डिफेंस. बट आई थिंक यू शुड गेट आउट ऑफ दैट. सिर्फ डिफेंस की प्रिपरेशन और उसी उसी चीज से यू शुड मेक ट्राई टू इंक्लाइन योर स्टोरीज टुवर्ड्स अदर थिंग्स. लाइक ऐसे भी बनाते हैं बच्चे स्टोरी की, जैसे वो मैराथन रनर है वो कर रहा है. अब अगर ये सोचने वाली बात है, अगर वो मैराथन रनर है एंड ही इज रनिंग फॉर इट, देन आई थिंक वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा. अगर आप ये बनाएंगे उसकी जगह कि वो एक सिविलियन है, वो कुछ और किसी और प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, पर अगर जैसे वो कहीं जाता है और उसको मैराथन के पोस्टर्स दिखते हैं, सो ही थॉट कि अच्छा लेट्स गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड मैं ये भी ट्राई करके देखता हूँ सो दैट ये मेरी एक्सपीरियंस पे ऐड करे. एंड उसने अपने फ्रेंड्स को भी बोला उस बारे में कि चलो वी शुड यू नो अप्लाई इन दैट, सो दैट ही इज नॉट कन्फाइंड टू हिमसेल्फ कि बस मैं करूंगा. यू नो इन दैट वे यू हैव टू टेक योर ग्रुप अलोंग विद यू. उसके फ्रेंड्स भी कन्विंस हुए, दे देन दे प्रैक्टिस फॉर दैट व्हाटएवर एक्शंस यू नीड टू ऐड वांट टू ऐड कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करी एंड उसके बाद देन दे फेल्ट वेरी हैप्पी कि अच्छा हम लोगों ने क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया जो हमारे फिजिकल मेंटल इमोशनल हर चीज को जिसने बूस्ट किया. एंड बच्चे यहाँ पे खत्म कर देते हैं एंड देन दे टुक पार्ट इन मैराथन एंड देन ही वेंट टू हिज वर्क. बट हाउ गुड इट विल लुक वेन यू एंड इट इन अ वे कि आगे के लिए भी उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली कि मुझे ऐसे चीजों में टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए सो दैट मेरी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल ग्रूमिंग हो और इसी बहाने मैं अपने दोस्तों से भी मिल सकूं सो दैट टाइम भी मैनेज हो पाए. सो इन दिस वे यू शुड एंड योर स्टोरी वेरी नाइसली सो दैट ऐसा ना लगे कि आप स्टोरी खत्म करने की जल्दी में है एंड यू आर पैनिक इन अ पैनिक मोड कि यार मुझे स्टोरी खत्म करनी है, खत्म करनी है. सो यस ट्राई टू फॉर्म योर स्टोरीज इन अ वे व्हेन यू प्रैक्टिस कि बिल्कुल. हम उसको एक बहुत अच्छा आउटलुक दें. क्योंकि मैराथन के एसोसिएट में भी हाफ मैराथन होती है, फुल मैराथन होती है, उसके अलावा भी बहुत तरह के और इवेंट्स होते हैं, रनिंग इवेंट्स भी आप देख सकते हो, तो उनके टर्म्स आप थोड़ा अवेयरनेस ले सकते हो कि आप उसके फ्यूचरिस्टिक पॉइंट पे आप चीज़ों को ऐड करो. व्हाट अबाउट SRTs, WAT एंड ST? बिकॉज दीज आर ऑल्सो प्ले, आई थिंक दीज आर ऑल्सो प्ले वाइटल रोल वेन इट कम्स टू साइक टेस्ट. बट आपका एनालिसिस क्या है, हाउ डू यू रियली राइट वैट? बिकॉज यू हैव डन 60 वैट्स, सो कहीं ना कहीं आपने प्रॉपर वो टाइम मैनेजमेंट तो आपने प्रैक्टिस किया ही है, बट आपने लिखा क्या है, मुझे उसको जानने में ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि हाउ यू हैव रियली रिटन दोज वर्ड्स, स्टेटमेंट्स ऑफ दोज वर्ड्स. ओके मैम. सो नाउ आफ्टर साइक टेस्ट वी हैव टू डू वैट एंड इट इज लाइक यू डोंट गेट अ गैप बिटवीन साइक टेस्ट एंड वैट. सो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अभी हमें वैट भी करना है. सो डोंट यू नो मेंटली गेट टायर्ड. दैट इज द मेजर थिंग विच पीपल फेस एंड उस वजह से आपका जो है वो माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे. सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्राई टू डू वैट एंड टैट कंटिन्यूसली ओके. together. Don't give a space between VAT and TAT so that आपको वो एक SSB वाली फील आए. सो नाउ व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर VAT आई थिंक देर आर 60 वर्ड्स एंड यू हैव टू राइट अ वर्ड इन 15 सेकेंड्स. सो डोंट मिस एनी वर्ड. आई वुड से डोंट गिव अ चांस टू द साइकोलॉजिस्ट टू जस्ट सी दैट वर्ड एंड यू नो इट गिव्स अ रीजन टू
द साइकोलॉजिस्ट कि हाँ तो मुझे इस वजह से आउट करो. तो हाँ डोंट गिव अ चांस टू द साइकोलॉजिस्ट, अटेम्प्ट ऑल वर्ड्स. आपको उसमें जो भी लग रहा है, जो भी लिखने लायक लग रहा है आप लिखें. नेगेटिव चीजों से बचें, नेगेटिव इमोशंस से बचें. डोंट प्रोजेक्ट आउट नेगेटिव इमोशंस. एंड पीपल से कि फैक्चुअल चीजें नहीं लिखनी होती, बट आई वुड से कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक या दो चीजों में आप फंस रहे हैं और आपको कुछ नहीं याद आ रहा, जस्ट राइट अ फैक्चुअल सेंटेंस, बट कंसिडर कि वो नेगेटिव ना हो. कोई बात नहीं, छोड़ने से बेटर है कि आप उसमें फैक्ट लिख दें. तो इट विल जस्ट एड ऑन टू द थिंग, अच्छा इसको नॉलेज तो है तो इसने लिख दिया. एंड इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलर वर्ड, सपोज आई से देर आर नेगेटिव वर्ड्स विच कम इन दैट, सो जस्ट लेट्स ट्राई टेक टू फॉर्म. एग्जांपल, लाइक वर्ड, एक पॉइजन ले लेते हैं, एक ड्रग ले लेते हैं, बिकॉज ये वाले वर्ड्स तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही लिखना चाहिए. तो आपका नैरेटिव क्या है कि हाउ डू यू रियली परसीव दीज वर्ड्स, या किस तरह के आइडियाज फॉर्म हो सकते हैं इन वर्ड के एसोसिएट में? यस मैम. सो ओके मैम, सो जस्ट यू सेड कि ड्रग. सो नाउ अगर एक नॉर्मल बच्चा सुनेगा कि अच्छा ड्रग पे वर्ड आया है, तो 15 सेकेंड्स में नॉर्मली हमारा ध्यान जाता है इंटॉक्सिकेशन की साइड, क्योंकि अन पीपल विल फॉर्म अ सेंटेंस अराउंड इंटॉक्सिकेशन. बट अगर आप अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग से एंड यू हैव दैट माइंड सेट टू सी पॉजिटिव इन एवरी थिंग, सो पीपल विल ऑल्सो थिंक, कैंडिडेट विल थिंक यार मेडिसिन इज ऑल्सो अ ड्रग. यू नो यू डोंट हैव टू रिलेट ड्रग टू जस्ट इंटॉक्सिकेशन एंड एल्कोहल. पीपल मेक सेंटेंस की एल्कोहल यूज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. सो वट आर यू प्रोजेक्टिंग इन दिस? एवरीबडी नोज की एल्कोहल यूज इज नॉट गुड. अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आ रहा है नेगेटिव, सो ट्राई टू थिंक कि इस चीज का कोई और मतलब भी हो सकता है. लाइक आई सेड कि ड्रग इज ऑल्सो लाइक मेडिसिन आर ऑल्सो ड्रग इफ दे आर यूज इन अप्रोप्रिएट अमाउंट. सो ट्राई टू फॉर्म योर सेंटेंस इन दैट वे. कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा है, सो जस्ट आस्क योरसेल्फ कि इस चीज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. जब आप ये सोचेंगे तो आप एक पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे. सपोज एक वर्ड है योगा, सो पीपल फॉर्म अ सेंटेंस लाइक योगा हेल्प्स अस टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन. सो नाउ कैंडिडेट से कि ये तो नेगेटिव नहीं है, ये तो हमने पॉजिटिव बनाया कि योगा हमें डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प करता है. बट व्हाई डू यू हैव टू राइट सच वर्ड्स लाइक डिप्रेशन एंड यू नो ऐसे भारी भारी शब्द की उनको एंजाइटी. वो साइकोलॉजिस्ट ने आपको नेगेटिव वर्ड नहीं दिया है, आप फिर भी उसमें नेगेटिव वर्ड डाल रहे हैं. सो डोंट डू सच मिस्टेक. ट्राई टू एनालाइज कि आप डिप्रेशन को किस तरह से मोल्ड करके लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेडिटेशन है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेडिटेशन हेल्प्स वन टू गेट द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. बिकॉज वॉट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज अबाउट द थॉट्स विच यू नो द मेंटल डिस्टर्बेंस विच यू हैव. सो ट्राई टू फॉर्म इट इन दैट वे कि वो पॉजिटिव भी लगे और ऐसा कोई नेगेटिव वर्ड भी आपके सेंटेंस में ना आए जिससे वो एक गलत इम्प्रेशन दे. यस बिल्कुल. मैम. एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव अ वर्ड लाइक नीडल. वेन आई प्रैक्टिस दिस वर्ड नीडल, सो नाउ पीपल विल थिंक नीडल पे क्या बना है, अब नीडल पे क्या बनेगा. सो व्हेन यू थिंक कि यार इन चीजों पे कुछ ऐसे सेंटेंस नहीं बन सकते हैं, ट्राई टू एसोसिएट इट विद अदर सेल्फ अदर थिंग्स. लाइक व्हाट इज अ नीडल यूज फॉर? इट इज यूज टू स्यू अ थिंग. एंड लाइक स्यूइंग अस और स्टिचिंग अ थिंग टुगेदर मीन्स लाइक ज्वाइनिंग इट है ना, ज्वाइनिंग इट टुगेदर. राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, यू वॉन्ट दैट योर क्लोज वंस शुड बी यू नो बी टुगेदर एट ऑल टाइम है ना. सो हाउ कैन यू थिंक कि आपकी रिलेशनशिप हमेशा साथ में रहेंगी? इट नीड्स लव, इट नीड्स केयर, इट नीड्स अफेक्शन. सो वट आई फॉर्म्ड आउट ऑफ नीडल वॉज दैट अफेक्शन इज द नीडल टू स्यू योर रिलेशनशिप्स टूगेदर. सो That's so beautiful. यू कैन फॉर्म अ वर्ड यू नो रिलेटिंग इट टू योर लाइफ, रिलेटिंग इट टू योर साइकोलॉजी, योर फीलिंग्स. सो इट विल गिव एन एक्सप्रेशन कि ये कहीं से उठाए हुए सेंटेंसेस नहीं है, दैट पर्सन इज एक्चुअली सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेड. सो यस मैम, यू शुड आई वुड से कि कैंडिडेट प्लीज सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें. जितना ज्यादा आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे आपका साइक उतना ही रियल और यूनिक और पर्सनल लगेगा, एंड दैट इज ऑल दैट साइकोलॉजिस्ट वॉन्ट्स. एब्सोल्युटली, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें हैं आपकी ऑब्जर्वेशन. जैसे डिप्रेशन वर्ड जो आपने एक स्टेटमेंट के अंदर यूज किया था, हम सबकॉन्शियसली नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, बट वो चीज कहीं ना कहीं हमारे बारे में काफी कुछ डिपिक्ट करता है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है. कि इट माइट गिव अ ग्लिम्स कि मे बी वी हैव कम थ्रू अ डिप्रेशन फेज, या समथिंग समथिंग अबाउट अ पर्सनैलिटी, अबाउट अ पास्ट हिस्ट्री और एनीथिंग. वट अबाउट SRTs? बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन के ऊपर हम कैसे रिएक्ट करते हैं काफी मायने रखते हैं. यू हैव सेड दैट यू हैव रिटन अ लॉट ऑफ सिचुएशन इन वेरी मच डिटेल, एंड वहाँ पे काफी कुछ आपने चीजें एड ऑन करी थी. तो आपने SRTs को कैसे किया?
यस मैम, सो आई वुड से कि आफ्टर आप टैट कर चुके हैं, आप ऐट कर चुके हैं, तो अब जो बच्चा होता है वो पूरा ड्रेन हो चुका होता है, बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड. तो उस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप SRT की बहुत अच्छी प्रैक्टिस घर से करके जाएं. आई वुड से कि घर पे एटलीस्ट हर दिन आप एक सेट ऑफ SRT तो जरूर करें विथ टाइम प्रैक्टिस, बिकॉज जो थॉट्स आपको टाइम विद इन टाइम लिमिट आते हैं वो आपको ऐसे नहीं आते. आई यू यूल कीप ऑन थिंकिंग एंड यू विल बीट अराउंड द बुश, बट आप नहीं उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. तो एक सेट SRT का डेली करें. एंड जब भी हम SRT को देखते हैं, हम एक चीज रियलाइज करते हैं कि जिस तरह से हम अपनी स्टोरीज लिखते हैं, SRT इज जस्ट अ क्रक्स ऑफ इट. यू हैव टू जस्ट मेंशन द की पॉइंट. लाइक अगर कोई डिजास्टर वाली स्टोरी आती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम पिक्चर बनाते हैं कि उसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया. एंड SRT में जस्ट आपको उसके 4 to 5 की पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं. सो एंड डोंट राइट एडजेक्टिव एंड इज एम आर दैट एवरी, यू नो, डोंट लेंथन योर SRT. 1 or 2 लाइन ऑफ SRT इज मोर देन इनफ. आप उतना लिखेंगे, जस्ट ट्राई टू एंड इट. नॉट ट्राई बट आई वुड से इट इज वेरी मैंडेटरी टू एंड इट, सो दैट यू नो, वही बात है कि द टास्क विच इज एट योर डिस्पोजल यू शुड एंड इट कम्प्लीटली. जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरी जो SSB थी उसमें एक SRT आई थी कि एक आपके मम्मा की फ्रेंड है, वो आपके घर में अपने बेबी को छोड़ के गई है एंड दे हैव वेंट आउट. सो नाउ व्हाट विल यू डू? सो नाउ एक कैंडिडेट क्या सोचेगा कि ठीक है, अभी वो बच्चा है हमारे पास तो हम उसको देखेंगे, उसकी केयर करेंगे, एंड जब उसके मम्मा आएंगे तो हम उसको उनके साथ भेज देंगे. बट आपने उसकी केयर तो करी, वो आपने लिखा, बट कैसे करी? हाउ विल द साइकोलॉजिस्ट नो कि आपने एक्चुअली उसकी केयर करी है? एंड SRT में बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं यार ये थोड़ी लिखनी है, ये कोई लिखने की बात थोड़ी है, बट वो चीजें ही बताती हैं साइकोलॉजिस्ट को कि बच्चे बच्चा सोच रहा है. ये नहीं है कि उसने कहीं से पढ़ा है और लिख दिया है. तो अगर इसमें मैंने क्या लिखा था कि जैसे बच्चा आपके पास छोड़ के गए, तो व्हाट विल यू डू फर्स्ट? आप उसको कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे, उससे बात करेंगे, उससे अच्छा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उससे लाइक डिसलाइक्स पूछेंगे सो दैट वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, खेलेंगे उसके साथ, और उसको लाइक उसके बाद जब थोड़ा टाइम हो जाएगा उसको सुलाएंगे, बिकॉज बच्चा है वो थक जाता है. एंड देन जब वो उठेगा सो के, सो यू विल ट्राई कि आप उसकी बात उसकी मम्मा से करवाएं, बिकॉज ही इज अ किड, वो अपनी मम्मी को मिस करेगा. तो बिल्कुल आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, वो नहीं भी बोल रहा है आप उसकी बात करवाएं, सो दैट वो एक यू नो सिक्योरिटी में रहे, सेफ्टी में रहे कि नहीं मम्मी आ जाएंगे. सो एंड देन यू राइट कि ओके, जब वो आए तो उनके साथ भेज दिया, एंड यू ऑल्सो एंजॉयड कि आपने बच्चे के साथ अच्छे से वो किया. सो इस वे में अगर आप सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, लाइक आई सेड कि आपने एंजॉय भी किया. दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस, बट उस टाइम लिमिट में ये चीज लिखना, इट मीन्स कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स, कि उसका ध्यान तो रखा बट आपको भी अच्छा लगा उसका ध्यान रखे, ये नहीं है जस्ट आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा. सो इन दैट वे आप अपनी हर एक OLQ बता देते हैं उन्हें, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, और बिल्कुल उनको वहीं पता चल जाता है कि यस दैट कैंडिडेट नोज वेल कि उन्हें कैसे एडजस्ट करना है हर, मतलब अपने एज के बच्चे के साथ, मतलब अपने एज के पर्सन के साथ भी, बड़ों के साथ भी, छोटों के साथ भी. एंड दैट इज ऑल यू नो डिफेंस वॉन्ट्स. एब्सोल्युटली कृति, किस तरह से जिस तरह से आप एलिमेंट्स डाल रहे हैं अपनी स्टोरीज में, WAT में या SRTs में या PPDT का भी जो हमने डिस्कशन किया है, वो काफी कुछ डिस्क्राइब करता है कि आपने कितना हद तक आप उस एक वर्ड पे आपने टाइम दिए है उनको एनालाइज करने में. मे बी थ्रू आउट योर प्रैक्टिस, एज यू सेड, यू नो दीज थिंग्स आर नीड टू बी प्रैक्टिस ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, ताकि आपका एक एक्सपोजर बढ़े इन चीजों को लेकर. वेन इट कम्स टू SD, वी कैन प्रिपेयर बिफोर हैंड बिकॉज वही लिमिटेड क्वेश्चन है. और मुझे लगता है कि SD इज समथिंग पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट यू नो इफ यू गेट अ चांस टू राइट अबाउट योर सेल्फ, यू शुड टेक अ बेस्ट यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क. तो आपने SD कैसे किया? यस मैम, सो नाउ द लास्ट टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी विच इज SD. तो एवरीबडी, मतलब एवरी कैंडिडेट नोज जो प्रैक्टिस कर रहा है कि SD इज समथिंग विच इज मोर और लेस फिक्स्ड. आप पूछेंगे आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके टीचर्स के बारे में, मतलब कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप आपके बारे में क्या सोचते हो, और आपके पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है. सो आई थिंक वेन यू नो दिस मच, इट इज नॉट एक्सेप्टेड कि आप उस चीज की तैयारी ना करके जाएं, बिकॉज दिस इज वन थिंग विच कैन गिव यू एन एज. सो SD इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लाइक इट इज द लास्ट टेस्ट. एंड बच्चों को लगता है कि ये इतना मेजर रोल प्ले नहीं करता, बट मतलब माइंड यू ऑल, SD इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आई वुड से कि 5 to 6 टाइम्स तो टाइम प्रैक्टिस आप अपने SD की करके जाएं.
दे गिव दे से वी आर गिविंग यू 15 मिनट्स, बट प्रैक्टिस इन 10 मिनट्स और 9 to 10 मिनट्स, दैट विल गिव यू वेरी गुड यू नो कॉन्फिडेंस देयर कि ओके आई रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, नाउ आई हैव टू राइट इट. एंड वेन यू आर फ्रेमिंग योर एस डी, आई थिंक दिस इज वन थिंग फॉर विच यू नीड टू कंसल्ट योर क्लोज्ड वन, बिकॉज जो चीजें वो आपको बताएंगे वो कहीं ना कहीं नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग नहीं सोचते. सो वाइल यू आर राइटिंग योर एस डी, जस्ट कंसल्ट योर क्लोज वन. फर्स्ट यू आस्क योर सेल्फ अबाउट द थिंग्स यू थिंक, योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ, ऑल्सो द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू एक्वायर, यू नो ऑल दीज थिंग्स, एंड देन कंसल्ट योर क्लोज वंस कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिकॉज जो क्वालिटीज वो बताएंगे देन यू कैन रिलेट टू इट जो आपको आपके बारे में लगता है. एंड देन फॉर्म योर एस डी विच इज रिलेटेड टू योर पी आई क्यू फॉर्म, बिकॉज पी आई क्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से. अगर आप एस डी की क्वालिटीज अपने पी आई क्यू से उठा के लिखते हैं, सपोज आपने पी आई क्यू में लिखा है कि यू हैव पार्टिसिपेटेड इन सम स्पोर्ट्स और यू नो अ गेम, एंड वेन यू यू विल राइट इन फ्रेंड सेक्शन दैट माई फ्रेंड्स यू नो उस वे में कि वो दे अप्रिशिएट मी फॉर द स्किल्स आई हैव इन स्पोर्ट्स एंड ऑल, सो द साइकोलॉजिस्ट विल नो कि ओके द पर्सन इज प्रोजेक्टिंग आउट द रियल सेल्फ, सो ट्राई टू फॉर्म इट इन दैट वे. वेन यू आर राइटिंग अबाउट योर पेरेंट्स, सपोज वॉट पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, लाइक इफ यू हैव रिटन कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, सो नाउ don't just write it and move on to another property, you know, another adjective. Try to back it up with the thing ki, why do you think that your parents think you're a responsible child? You can say ki parents jo hai wo they discuss family matters with me, hum log bhi mutual discussion pe hote hain, uske baad hum log koi decision lete hain, so that gives an impression to the psychologist ki ha matlab ye bachcha actually responsible hai. And when you are writing ki ha my parents think that I am a caring child because I am a child to them, I'm not a person, so write it in that way, which gives the feeling ki ha you are writing about your parents, you are feeling those emotions. When you are writing about teachers, write that they consider me a good student, not a person. You're not a person to them, you're a student. So write it in that way, form your SD in that way, jo lage ki aapne apne dil se nikal ke kagaz pe utara hai. That is very important. Right. Yes, ma'am. मुझे लगता है जैसे काफी बार हम एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, हार्ड वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट, उन वर्ड्स की जगह अगर आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, जैसे अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे लिख रहे हैं तो इफ यू से दैट यू आर गुड एट एकेडमिक्स एज वेल एज यू मेंटेन यू नो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कॉलेज एंड यू आर इन टू स्पोर्ट्स, तो दैट डिस्क्राइब अलॉट अबाउट यू. एंड एक और चीज जैसे यू नो काफी सारी चीजें हम अपने बारे में लिख देते हैं या हमारे पेरेंट्स ने जो सेम चीजें हमारे बारे में बोली है, राइट समथिंग डिफरेंट इन योर टीचर्स ओपिनियन, बिकॉज इफ यू गेटिंग अ चांस सो हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस, ताकि अगर सेम लिमिटेड टाइम के अंदर आपको लिखने को मिल रहा है तो यू नो हैव अ वैरायटी ऑफ ग्लिम्स ऑफ योर पर्सनालिटी, ताकि उनको ज्यादा अच्छे से पता चल सके. कीर्ति, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल इंटरव्यू बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव मेड, the kind of work you have done on yourself, kudos to it. You know, I'm not even just for the sake of saying, because I have closely observed you while discussion also, while we are having a session today also. So I feel like you have made a personality which is very calm, who analyze everything and then you know then process and then work on it. So mujhe aisa lagta hai ki kahin na kahin jab आप फाइनली आप एसएसपी के अंदर थे और वहां पे पर्सनल इंटरव्यू में आप थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको काफी ग्रिल किया होगा. So what kind of exactly they have asked you throughout your personal interview and how you have maintained this calmness during the personal interview? Mujhe bas ye janna hai. Yes, ma'am. So my personal interview happened immediately after we came from GTO. GTO ground. So I would like to mention here ki be prepared ki aap ho sakta hai aapka interview you know start of the day mein ho jaye. Start, like second day ho, third day ho, fourth day ho. It couldn't happen on any day, and it can happen in a rush also, like you won't get time to settle down and you know be at peace. It is not like that, so just be prepared ki aapka kabhi bhi ho sakta hai, like mera hua. Hum log jaise hi GTO grounds aaye, I just got a call. We didn't even change, we just got a call ki okay you have been called for the interview, so I went there. And I will say ki agar aapki practice achhi hai, so just you know be confident there, बिकॉज वहां पे वही रिफ्लेक्ट होगा जो आपने घर पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया होगा. और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी टास्क, फॉर राइटिंग अ पीआईक्यू, फॉर राइटिंग अ साइकोलॉजी, फॉर जीटीओ, फॉर इंटरव्यू, फॉर एवरीथिंग. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, जस्ट हैव अ लुक ऑन योर पीआईक्यू फॉर्म, जस्ट सी व्हाट ऑल यू हैव रिटन ऑन इट, एंड देन
प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली कि अगर आपने एक भी वर्ड उस पीआईक्यू में लिखा है सो व्हाट इज इट रिलेटेड टू, व्हाई हैव यू रिटन इट एंड फ्रॉम वेयर हैज इट कम एक्चुअली. लाइक वी नो कि हमारे पास एक सीआईक्यू का वो होता है, एक क्वेश्चनेयर होता है जिससे वो हमें बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दे आर बेसिकली रिलेटेड टू योर क्वालिफिकेशंस. आपने क्या किया है, आपके फ्रेंड्स कौन कौन थे, आपके टीचर्स कौन कौन थे, आपने क्या सब्जेक्ट लिए, क्या वो आपकी परसेंटेज थी एंड ऑल दिस 16 to 17 क्वेश्चंस दे जस्ट यू नो गिव इट ऑन यू कि नाउ यू आंसर इट. सो व्हेन यू नो कि इस तरह से कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं क्वेश्चंस बट नॉर्मली यही पैटर्न रहता है सो प्रिपेयर इट इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड से हमें क्या लगता है कि हमारी क्वालिफिकेशंस है, हमें तो पता है कि हमने हाँ ये किया था बट देन व्हेन यू हैव टू से इट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू ना यू गेट पैनिक एंड यू फॉरगेट द क्वेश्चंस व्हिच आर यू नो कमिंग ऑन द वे एंड यू आर लाइक ब्लैंक. सो ट्राई नॉट टू फॉरगेट दोस क्वेश्चंस एंड दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू हैव प्रैक्टिस एंड इन केस यू फॉरगेट एनी क्वेश्चन जस्ट हम्बली आस्क कि सर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. I also did it. When the CIQ was, asked, I answered most of the questions, but then I forgot one or two. So I asked interviewer sir, that's why please can you repeat it? I'm not able to recall it. And they are supportive. You will get a feeling ki they want you to, succeed. They want you to succeed. Only you are the one who gives them a chance ki na mujhe mat lo. So it's like, don't get panicked. Be at ease because that calmness is the thing which boosts your confidence there. So that is very important. And if I talk my personal interview when it started, so this interviewer sir just asked me, okay, Kiti, so you have got 2 birthmarks. Yes, sir. And so make us say yes. And like one was a scratch or you can say a scar. So he said, how did you get that? So that was a question which was not expected. Like the very first question was this only about your birthmarks and all. So I would say that there will be questions which are like from bolt out of the blue. But don't get panicked. What is reality? You said that. So I said that, sir, I have been active in sports since childhood, so I must have got it while I was a child. But I don't know the exact reason. So just be natural there. Don't give a very hi-fi reason to this and that. So they don't want that. Absolutely. एंड बी प्रिपेयर्ड विद योर पीआईक्यू, वो आपके पर्सनल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अबाउट द सेकेंड थिंग इज द करंट अफेयर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स फॉर द थिंग कि आपके वो ओएलक्यू फैक्टर चेक करते हैं कि आप बच्चा कितना अवेयर है अपनी सराउंडिंग से. तो अगर आप करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशन से रहेंगे अवेयर तो वो आपको ग्रुप डिस्कशंस में भी बहुत हेल्प करेगा और इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा. आई विल से कि वहां पे आप न्यूज़पेपर होता है आप जरूर पढ़े बिकॉज दे विल आस्क यू. They asked me कि okay when did you read the newspaper last? So I said that sir I read it the previous night. It was out of our on the board out of our room, outside our room. So he said okay and then he asked me okay what were the headlines of the newspaper? So it was something about a satellite. So he said okay why India is testing that satellite? What is the reason? So I will say कि whatever you are saying just be ready कि आपको उस पे questions होंगे. इफ यू आर बिल्कुल सेइंग कि मैंने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा है सो डोंट बी वेग कि सर मैंने पढ़ा था बट मैंने मुझे याद नहीं है. इट गिव्स इंटरव्यूअर एन एक्सप्रेशन कि ओके ही इज शी इज मेंशनिंग आल्सो एंड शी डजंट नो. और हाँ जस्ट से कि सर मैंने नहीं पढ़ा है. इफ यू हैवंट रेड जस्ट से कि सर मैं एक हफ्ते पहले पढ़ के आई थी जब मैं SSB में आई थी तब का आप पूछ लें. सो इंटरव्यू नहीं पूछेगा आपसे लेटेस्ट न्यूज सो इन दैट वे ट्राई टू गिव आंसर्स व्हिच यू कैन एक्चुअली बैकअप विद समथिंग या या बहुत उसपे सही क्रॉस पॉइंट क्वेश्चन. लाइक थे बिकॉज यहाँ पे कैंडिडेट्स ना बीट अराउंड द बुश करके आई मीन दे वांट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन जस्ट टू इम्प्रेस देम. अब वो मुझे लगता है वहां पे वो सबसे ज्यादा बैकफायर करता है कि हम उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम द रियलिटी अगर नहीं पढ़ा है तो इट शुड बी लाइक आइदर से यू हैव डन इट देन आंसर दोस क्वेश्चंस. अगर वो आपसे फर्दर मोर पूछते हैं तो वो आपसे इनडायरेक्टली 5-10 मिनट बाद फिर रिकन्फर्म कर लेंगे बिकॉज इफ देर यस इज अ मैम. वेरी माइन्यूट डाउट ऑल्सो इन देयर हेड दे विल रिकन्फर्म इट अबाउट एनीथिंग. आई हैव सीन इट इन जर्नल थिंग. या
Yes, ma'am. They ask questions like whatever you have said a point ना, they keep on writing it and then राइट वो 5 to 10 minutes बाद ना वापस आपको घुमा के उसके क्वेश्चन पे लाएंगे एंड हाँ वो रिकन्फर्म करने की कोशिश करेंगे और वहां पे आप चुप कर जाएंगे इफ यू आर नॉट रियल विद योर आंसर्स. सो हाँ जस्ट बी रियल विद योर आंसर्स एंड जस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट वॉट यू हैव रिटन. नाउ आई वुड से कि वो आपकी फैमिली के बारे में भी बहुत पूछते हैं कि आपके आपके फैमिली के साथ रिलेशन कैसे हैं. लाइक दे आस्क मी अ क्वेश्चन कि इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम तो आप किसके पास जाओगे अपनी फैमिली में. सो थ्रू दिस क्वेश्चन ही वांटेड टू नो कि आप अपने पापा के ज्यादा क्लोज हैं, अपने मम्मी के ज्यादा क्लोज हैं ना, इन दैट वे. सो आई आंसर्ड इट इन अ वे कि कोई भी ऐसा ना लगे कि मेरे किसी से रिलेशंस अच्छे नहीं है या फिर कम है या मैं किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम जाती हूँ. सो आई आंसर्ड इट यू नो जेंटली कि सर इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह का इशू है. सो आई मोल्डेड इन अ वे कि कुछ चीजों के लिए मैं मम्मा के पास जाऊंगी, कुछ चीजों के लिए पापा के पास जाऊंगी, कुछ चीजों के लिए अपने ब्रदर के पास जाऊंगी. सो इन दैट वे आई मोल्डेड इट. सो डोंट से कि सर मैं अपने पापा से ही पूछती हूँ, मम्मी से मैं कुछ नहीं पूछती हूँ. राइट सो राइट राइट वो इंटरव्यू को एक एक्सप्रेशन देता है कि अगर बच्चे का घर पे ही रिलेशंस अच्छे नहीं है तो वो बाकी उन आउटसाइडर्स के साथ जिनको वो पहली बार मिल रहा है उनसे कैसे अच्छे रिलेशंस रखेगा. सो बिल्कुल आई विल से कि कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करें, मतलब एक्चुअली में भी कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करें अपने घर पे, क्योंकि अगर घर पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा तो आप वहां पे भी अच्छे से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे. बिल्कुल देन मूविंग ऑन टू अनदर सेक्शन मैम, आई वुड से कि डिफेंस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हेन यू आर कमिंग टू गिव अ डिफेंस एग्जाम एंड अ डिफेंस पेपर दैट टू आर्मी यू नो, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द फोर्सेस, आर्मी नेवी एयर फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड एवरीथिंग. बट इफ यू आर गिविंग इट फॉर आर्मी बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर आर्मी, इफ यू आर गिविंग इट फॉर एयर फोर्स बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एयर फोर्स. सो इन दैट वे गिव वेटेज टू दैट थिंग बट बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द अदर फोर्सेस. लाइक ही आस्क्ड मी सो यू वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस बट यू आर फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, सो हाउ डिड यू गेट द मोटिवेशन एंड वाई ओनली आर्मी. एंड ही सेड कि ओके विच रेजिमेंट यू वॉन्ट टू ज्वाइन. सो देन आई आंसर्ड कि सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस रेजिमेंट. सो ही आस्क मी क्वेश्चन ऑन दैट कि ओके इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है. सो वेन आई मेंशन हिम अबाउट कि सर ये होते हैं, ये उनका कैलिबर होता है, ये उनका डिस्टेंस होता है, इनकी रीच होती है. सो नाउ ही गॉट एन आइडिया कि ओके इसको कैलिबर इन सब के बारे में पता है. सो ही यू नो ट्विस्टेड दैट क्वेश्चन टू अ बेसिक थिंग. सो ओके दिस इस गन का कैलिबर 9 mm है. मैं कह यस सर. तो हाँ इनसाइड की व्हाट इज अ कैलिबर, व्हाट इज कैलिबर. सो ही ओके जस्ट ट्विच दैट क्वेश्चन इमीडिएटली. सो आई आंसर्ड इट कि सर आई थिंक दिस इज इट. देन ही ट्राई टू ग्रिल मी कि आर यू श्योर दिस इज दिस ओनली, आर यू श्योर. सो आई वुड से कि इंटरव्यूअर ऐसा करेगा बट डोंट थिंक कि वो आपसे डिसअपॉइंटेड है आपके आंसर से. ही वोंट बी डिसअपॉइंट, ही वोंट प्रोजेक्ट कि उसकी एक्चुअल फीलिंग क्या है. वो राइट आपको ग्रिल करने की कोशिश करेंगे और अगर आप पैनिक करेंगे ना वो बस यही चेक कर रहे हैं कि बच्चा कितना काम रह सकता है. अगर आपको कोई चीज श्योरिटी से नहीं पता है आई वुड से कि आप ऐसा बोलें कि सर एज फार एज आई कैन रिकॉल दिस इज द थिंग बट आई विल श्योरली चेक फॉर यू नो रिकन्फर्मिंग इट. सो आंसर इट इन दैट वे. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई रेजिमेंट ज्वाइन करनी है आप उस रेजिमेंट के बारे में बच्चे पढ़ के जाते हैं पर बाकी रेजिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं. दिस इज अ मेजर मिस्टेक विच दे डू. मैंने जो रेजिमेंट बोली थी ही यू नो आस्क मी क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दैट. ही आस्क मी ओके टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड. एंड देन व्हेन आई टोल्ड हिम द डिफरेंस ही देन सेड कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड के बारे में बताएं, उसके रेंज के बारे में बताएं, टैंक्स के बारे में बताएं, उनके मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताएं. सो कईयों को ज्यादा क्वेश्चंस भी पुट ऑन होते हैं, कईयों को बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि रैंक्स के बारे में बताओ. तो आई विल से कि आपकी जितनी एक्सटेंड तक नॉलेज है आप उतने एक्सटेंड तक ही बोलें. अगर आप बोलेंगे कि मुझे इसका कैलिबर पता है तो वो आपसे और डिटेल्स में इक्विपमेंट्स के बारे में पूछेंगे. अगर आपको लगता है आपको इतनी डिटेल में नहीं पता, डोंट मेंशन द कैलिबर. यू नो गिव एन आंसर इन दैट वे कि वो आपके अगेंस्ट ना जाए उस पे में. तो आर्मी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आप कहीं से भी ले सकते हैं. आप आर्मी की साइट से ले सकते हैं, आप उनके ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट होती है, यूट्यूब से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. और आई वुड से कि डेली करें बिकॉज अगर आप जैसे SSB अप्रोच करेगा आप आखिरी के हफ्ते में सब नॉलेज गेन करने लगेंगे कि मैं आखिरी हफ्ते में आर्मी के बारे में सब जान जाऊंगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. यू बिल्कुल शुड नॉट डू दैट. आप एग्जैक्ट टाइम टू टाइम उस चीज की प्रैक्टिस करते रहे सो राइट दैट वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करे.
जैसे कीर्ति भी आपने कहा ना कि नॉलेज काफी इम्पोर्टेंट है, द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस या व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी. सो इफ यू आर टेलिंग दैट यू आर सो मच पैशनेट, तो कुछ कुछ एरियाज है जो मुझे दिमाग में आ रहे हैं. एक तो रैंक स्ट्रक्चर, हम सिर्फ ऑफिसर कैडर के याद करते हैं कि यू नो कमीशन ऑफिसर का ही एक है, पर हम JCOs और नीचे वाले रैंक्स को हम ध्यान नहीं देते हैं. एंड दे ऑल्सो ट्राई टू क्रॉस चेक यू नो कि अगर आर्मी के अंदर कैप्टन रैंक है तो एयरफोर्स या नेवी में कौन सी होगा, तो वो भी अवेयरनेस होना जरूरी है. उसके अलावा जितनी वॉर्स हुई हैं उनके ईयर्स एंड उनकी हिस्ट्री क्या रही है, कैसे वो वॉर्स थी, मोटो क्या है, कमांड्स क्या है, एंड जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी करने जाएंगे OTA चेन्नई में, दे विल रीकन्फर्म यू वेरी OTA कौन कितनी तरह की होती हैं और डिफरेंस क्या है. तो थोड़ा सा आपको हर चीज़ के बैकग्राउंड के बारे में पता भी होना चाहिए. यहाँ से आपका बहुत स्ट्रांग इंक्लिनेशन दिखता है कि यू नो दिस पर्सन इज रियली इंक्लाइंड एंड इसका पैशन है आर्मी को ज्वाइन करना. कितना स्टाइफन मिलता है, यस बहुत मैम, तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इफ आई टॉक अबाउट कितने मंथ यस की मैम, ट्रेनिंग है. सो आई थिंक दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग शुड पे अटेंशन टू इट. इसके अलावा कीर्ति कुछ आपसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशंस दी हो आपकी इंटरव्यू के टाइम पे, इफ यू कैन रिकॉल एनी ऑफ इट. यस मैम, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जीके एंड आर्मी, ही आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय पर्सनल लाइफ एंड हाउ आई सी थिंग्स. तो ही आस्क मी अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड. तो ही सेड कि ओके, यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, सो व्हाट आर द क्वालिटीज व्हिच यू थिंक दैट इफ आई विल मीट योर बेस्ट फ्रेंड, ही शी विल आस्क मी कि सर इसे ये क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए. सो यू नो दैट वे, सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन जो हम लोग ना डेली लाइफ में नहीं सोचते हैं कि यार इनके आंसर क्या होने चाहिए. बट आई थिंक कि जब भी आप इस चीज की प्रेपरेशन करते हैं, आस्क योर क्लोज वन, जो आप मेंशन करते हैं कि सर अगर मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है तो आस्क हर कि तुम्हें मुझ में क्या कमी लगती है. बिकॉज आई थिंक एक्सेप्टिंग योर यू नो शॉर्टकमिंग्स इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव देम. सो यू फर्स्ट हैव टू एक्सेप्ट देम एंड इम्प्रूव इट. सो ही आस्क मी कि ओके व्हाट आर द क्वालिटीज यू थिंक. तो डोंट से कि बहुत हाई फाई क्वालिटीज, बच्चे बोलते हैं सो दैट उनका आंसर बहुत अच्छा लगे, बट से बेसिक थिंग. आई सेड कि सर सिंस आई हैव मेट हर, शी हैव रियलाइज कि मैं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती हूँ. बिकॉज आई लाइक टू यू नो एक्सपेरिमेंट थिंग्स एंड आई लाइक टू ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी विच कम्स माई वे. बट शी सेज कि ओके, यू हैव टू लिमिट द वर्क विच यू डू, यू नो यू हैव टू लिमिट योर डोमेन समटाइम्स सो दैट एक बेटर आपका वर्क जो है निखर के आए. एंड दैट इज ट्रू. सो आई सेड इट. एंड यू नो यू कैन मेंशन सम बेसिक क्वालिटीज ऑल्सो, लाइक आई सेड दैट सर आई एम नॉट वेरी वेल विद कॉस्मेटिक्स एंड स्टफ, बट शी यू नो नॉट फोर्सेस मी बट आस्क मी कि ओके यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट हाउ टू यू नो यूज देम एंड ऑल. सो गिव एन आंसर्स विच आर रियल टू यू, विच आर नॉट मेड अप, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन अ लूप एंड ही विल क्रॉस क्वेश्चन यू एंड यू एब्सोल्युटली विल नॉट बी एबल टू आंसर इट. तो आई विल से लिमिट योर सेल्फ टू योर लाइफ ओनली. डोंट गिव कि आप औरों की लाइफ से उठा के आंसर दें, बिकॉज उसके बाद आप उनपे क्रॉस क्वेश्चनिंग के आंसर नहीं कर पाएंगे. यस मैम. एंड ही ऑल्सो आस्क्ड मी व्हाइल वी वर इन SSB कि यू आर सेवन इन अ ग्रुप. यस सर. सो ही सेड कि हु शुड गेट रिकमेंडेड की थी. तो पीपल यू नो कैंडिडेट जनरली टेक अनदर चेस्ट नंबर्स नेम, नॉर्मली दे टेक. बट देन आई सेड ओके सर आई थिंक आई शुड गेट रिकमेंडेड. सो देन ही क्रॉस क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू थिंक कि तुम्हारे ग्रुप में अदर मेंबर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है. आई कैन नो सर एवरीबडी हैज परफॉर्म्ड. सो डोंट डिमीन एनीवन इन योर ग्रुप. आई विल से टू ऑल द कैंडिडेट्स, डोंट से कि सर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और मैं ही बेस्ट था, बट गिव एन आंसर कि जो उन्हें सेटिस्फैक्ट्री भी लगे. सो बिल्कुल आई विल से कि जस्ट बी अ ग्रुप मेंबर, डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट योर ग्रुप व्हाइल यू आर इन SSB. एंड यस, बी कोऑपरेटिव, बी सपोर्टिव देयर. ऑल राइट. अब मैं अभी जितना भी डिस्कशन हो रहा था ना कीर्ति, मुझे एक चीज बड़ा क्यूरियोसिटी हो रहा है. यू नो यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्मी, इवन वी हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे आल्सो. हाउ फर्म दिस डिसीजन वाज, यू नो कि देर आर टाइम्स व्हेन यू गेट स्क्रीन आउट एंड एक एक टाइम आता है कि हम एक ना गिव अप वाली स्टेज आ जाती है कि यू नो यार व्हाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग, आई एम गिविंग अप माय बेस्ट. यू हैव क्लियर्ड एवरी टाइम सीरियस एग्जाम विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय UPSC. फॉर गॉड सेक पीपल टेक इट वेरी यू नो बहुत इसका पैनिकनेस रखते हैं कि बहुत लोगों से क्लियर नहीं होता. इट्स अ रियल फैक्ट राइट. एंड यू हैव गिवन ओनली वन टाइम एफर्ट, यू क्लियर इट, दैट वॉज अनदर फैक्टर. बट मुझे ये चीज आने में ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि वट एग्जैक्टली वर्क फॉर यू, यू नो हाउ दिस फर्मनेस केम इन टू योर लाइफ, हाउ दिस डिसीजन वॉज मेड, बिकॉज सिर्फ 16 सीटें हैं और ये फ्लक्चुएट यही करता है, कभी 12 कभी 15 कभी 17 कभी 16. सो वेरी लिमिटेड सीट्स आर देयर कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, अ गर्ल फ्रॉम शिमला. हाउ यू हैव मेड दिस माइंड सेट
how firm it was and what really worked for you throughout the journey. I'm really curious to know that. Yes, ma'am. So, ma'am, it is a journey of 3 years. While I decided to give defense exams and, you know, start the preparation of defense exam, and being from a civilian background where you have no one, you know, to guide you about the particular process, it actually, you know, creates a doubt in your mind that, okay, can I do it actually, you know, can I, am I made for it or not? And, but when I cleared written exam, I got that, you know, moral boost that, okay, I have cleared written, I can go to SSB also and I can clear it. That is a separate factor that I got screened out, and for every screening out, I thought that, yaar, maine to sab sahi kiya tha. And that is in the heat of the moment. But when you come home and when you analyze your mistakes, it feels very, you know, satisfactory. Ki, okay, now I've accepted my mistake. Now I will improve it the next time. I will improve it the next time. And as you face these failures, they give you a chance of improvement, which is very important to, you know, give you, to enhance your personality. So every time I got screened out, I always told myself that you have it in you. You can do it. It's just about that you have to give it more. You have to give it more, because I think efforts are never, you know, sufficient. Like, ki, okay, bas itna kar diya, ho gaya. Efforts should be, like, hone hi chahiye. It should continue. It should be with you throughout your journey. You can never get rid of effort. So that way, I was always, you know, motivating myself, reading books about military life. And I remember I purchased a book about a candidate who has written a book on OTA Chennai only. About the women life in OTA Chennai. So I read it. I, you know, whenever you get you know, a thought, a self doubt, ki yaar main kar sakti hoon ya main kar sakta hoon ki nahi, seat bahut kam hai, I will say just find means which boosts you. It can be anything. It can be physical exercise, it can be mental exercise, anything. You can do anything. You can talk to your close ones, because I think they always want your you know, good. So you should talk to them. I talk to my friends, I talk to my parents that, okay, agar aapko lag raha hai mera nahi ho raha, to kya kami reh gayi hai, you know, that way aapki preparation aapko bahut zyada boost karegi. And army ke bare mein janna, uske liye ek inclination lana, it was all about ki maine kitni zyada us bare mein search kari hai. Because people say ki hum motivated hain to join armed forces, but they don't know why are they motivated. Right. That They is a just say we basic are question. motivated. But still a lot of people have no answer regarding it. I have observed it. Yes. We want the lifestyle. We want the uniform. Everybody wants that. Who doesn't want to be in uniform and be those stars? You know, it is a very, it's a moment of proud for everyone. But I think these reasons are not enough to keep you going through success and failure. You have to find your reason which actually connects with yourself. And I will say ki sabke reasons apne apne hone chahiye aur hote hain jo actually passionate hote hain armed forces ko join karne ke. So just find your reason. Don't think ki maine aaj movie dekhi hai aur usse mujhe you know motivation aahi hai ki I have to join forces. That way, don't start your preparation. Just dig into the thing, dig into the organization, find kaun-kaun se equipments hain, kya unka kaam hai, kya unka role hai. Just live that thing with them. And then hear podcasts, you know, that are very helpful of the real, you know, defense people. So this will give you an idea ki agar aapko sach mein join karna hai, to aapko kyun karna hai. Aur agar aapko kyun ka reason mil gaya, तो आई विल से कि जितने भी हर्डल्स आए, आपका वो क्यों का रीजन आपको हमेशा उसके थ्रू पार करवाएगा ही करवाएगा. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, फोकस एंड बी सेल्फ मोटिवेटेड. मोटिवेशन बाहर से बहुत ही लिमिटेड टाइम तक आती है, बट आपकी जो अंदर की मोटिवेशन है वो आपको हमेशा आगे ले जाने में हेल्प करेगी. दैट्स सो ट्रू कीर्ति, एंड आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड. We have covered almost everything and this session is quite long. We're covering all the things in very much detail because jahan pe mujhe lagta hai ki, you know, we can have a productive conversation. Humne un cheezon pe discussion kiya. But, you know, you are on the other side and seats are limited. So somewhere the other, yahan pe bahut zyada competition hai. Yahan pe, last time if you ask me, 100 above ladkiyan, 100 se zyada ladkiyan recommend hui thi aur this bar bhi 67 something kuch ladkiyan recommend hui hai. And seats to wahi limited hai, 15, 16, 17. This time 16, last year
last session it was 17. So, any message you want to give to the aspirant who are preparing for these exams? Because somewhere or the other, we can't cover everything in detail. Ultimately, अगर हम सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करने चले तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा. सो एनीथिंग यू वांट टू कन्वे, बिकॉज़ दे आर लिसनिंग यू, दे आर लुकिंग अप टू यू, एंड एवरी वर्ड दैट यू से यू नो दैट आर गोइंग टू ऐड डेफिनेटली सम वैल्यू टू देयर लाइव्स एंड डेफिनेटली प्रिपरेशन. Yes, ma'am. So my message to all the aspirants who are seeing this video, I will say ki just focus on your efforts. Focus on what you want to achieve. Focus on how you want to achieve. Just focus on what and how. Don't see ki seats limited hain. Because seat 16 ho ya 1600, you just want one. Absolutely. And you can be at that one place if you believe in yourself. So just analyze the demand of the interview of the written exam and prepare for it. Once you have prepared for it, just take a back seat. Your efforts will do it all. Don't overthink and over panic yourself by thinking ki hoga nahi hoga, hoga nahi hoga. I mean, it's a natural thing which comes the way of every defense aspirant and every other aspirant of any competitive exam. But I will say ki at the end aapka karm hi aapko sab kuch dilayega. So don't focus on results. Just focus on your efforts, and if you have it in you, you will achieve it. One day or the other, it will definitely give you fruitful results. And be connected to everyone, your family, your friends, your other mates. And I would like to mention a point. While preparing, don't just be limited to the aspirants who are preparing for defense exams. Try to ask questions from those who are not related to your field, like for pictures, for other things, for PIQ. Because the raw idea which will come from them, that a defense aspirant or any other aspirant will not be able to give it to you. So try to, widen the radius of your preparation with people. Don't be just confined to one place, and be optimistic, be fit physically, mentally, emotionally, and be a support. I think you wear stars on your shoulder, you'll become an officer. But the journey of becoming an officer, it starts the day you decide to, prepare for it. So just live like an officer, live like a cadet, and feel that feeling ki okay, one day you will achieve it, and aapki personality pakka groom karegi, and you will be proud of yourself. Right, right, Kirti. I think every word which you have mentioned here is something you have felt yourself. यू नो कि चाहे प्रिपरेशन के टाइम पे यू हैव रियली इम्बाइब्ड दोज क्वालिटीज जो हम OLQs बोलते हैं, यू हैव रियली वर्कड अपॉन इट. सो आई वुड जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू फॉर योर टाइम. आई डोंट नो हाउ मच आई हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन योर जर्नी, बट डेफिनेटली योर जर्नी इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट अलॉट इन एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर इट. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, बिकॉज यू नो इट टेक्स एफर्ट्स. कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे तो यू हैव बीइंग वेरी यू नो इंक्लाइंड की वी कैन एक्सपेरिमेंट दीज थिंग्स. सो आई ट्रूली बिलीव योर स्टोरी एंड योर यू नो एवरीथिंग दैट यू हैव गॉन थ्रू विल डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन देयर जर्नी. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड माई ब्लेसिंग्स आर विद यू. आई रियली वॉन्ट बेस्ट फॉर यू इन द अकेडमी एंड अबव, एंड आई विश कि यू नो बींग अ फीमेल ऑफिसर इन द फोर्सेज यू डू वंडर्स. And have a injury-free training, because that is very important. So yeah, my best wishes with you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for connecting with me and giving me this opportunity ki main defense aspirant se connect ho pai, and to you also. And talking with you, sharing my journey, it's very emotional to say all that you have done for 3 years and for how many years an aspirant do. And I always believe that if you are not emotional for your dream, it's not worth it. So try to be emotional to your dream, towards your efforts, and one day you will get everything. Like I connected to you, it was very good, and your videos are very motivating, very inspiration. It's very inspired. I get inspired by watching your videos when I was an aspirant, and other aspirants will also get inspired, and that morale boost will definitely be there through your videos. Thank you so much. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.